अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग विद सभी। एक नए जज्बे, नए उमंग के साथ आपके दरमियान फिर हाजिर है। बहुत अच्छा लगता है जब मैं आपके आमने सामने आ जाती हूँ। मेरे व्यूवर्स मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मैं तमाम जो वहाँ बैठी हुई फैमिलीज और तमाम चाहने वालों को जहाँ जहाँ गुड मॉर्निंग विद सभी की आवाज़ सुनी जा रही है पूरे पाकिस्तान में, बिकॉज विनस इज अ सैटेलाइट टीवी और ये टीवी चैनल ऐसा है कि सब जगह से मुझे फीडबैक मिल रहा है। कल भी मुझे गिलगित से कॉल आई और इसी तरह कुछ दिन पहले बलूचिस्तान से कॉल आई, फिर कल इस्लामाबाद से भी कॉल आई। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप मेरे प्रोग्राम को ना सिर्फ देख रहे होते हैं बल्कि बहुत अप्रिशिएट करते हैं। और वो कुछ मैं दिखाने की कोशिश कर रही हूँ अपने सेगमेंट्स के थ्रू जो आप देखना चाहते हैं, और अवेयरनेस आप लोगों को मिल रही है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरे थोड़े से एफर्ट जो है वो कहीं काम आ गए। चले जी, ये तो हो गया। और मैं कुछ लोगों के नाम लेना चाह रही थी क्योंकि फेसबुक पे मुझे बहुत सारे लोगों ने मेरे मॉर्निंग शो से रेलेवेंट कुछ फीडबैक दिए, तो आज के लिए माजरत है क्योंकि मेरे पास वो लिस्ट जो है लाना मैं भूल गई हूँ। सबके नाम मैंने उतारे थे कि मैं सबको थैंक्स करूँगी उनके नाम लेके, लेकिन इंशाल्लाह कल मैं ज़रूर आप लोगों के नाम लेके आऊँगी और आपका थैंक्स भी करूँगी। और मैंने जो नंबर मेंशन किया था, अगर आपको याद हो कि मेरा पर्सनल नंबर है, उस पर भी बहुत सारे लोगों ने अपने टैलेंट को मुझसे शेयर किया। जब मैं स्टार्ट लेती हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ वो सारी बातें करूँ क्योंकि फिर मैं गेस्ट और सेगमेंट में लग जाती हूँ तो वो बातें रह जाती हैं। तो मैंने चाहा कि आपसे जो मैं जब प्रोग्राम स्टार्ट करूँ तो देन मैं आपसे, सिर्फ आपसे बात करूँ, ठीक है? फिर मैं गेस्ट से बात करती हूँ ना, अभी आपसे बात कर रही हूँ। तो आप लोगों से ये कहना है कि जो मेरा नंबर है 03158248704, ये वो नंबर है जो मेरा डायरेक्ट नंबर है। आप अपना कोई भी, आप अंदर, आपके अंदर किसी तरह का भी टैलेंट है, आप हुनरमंद हैं, आप स्किल्स रखती हैं, आप यूथ हैं, आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं, आप कुछ क्रिएटिव वर्क करना जानती हैं, ये सारी चीज़ें अगर आपके अंदर हैं और अपना कोई बिजनेस जो है चाहती कि यार ये सबके दरमियान शेयर हो, तो ज़रूर आप हमें रब्ता करें। एंड व्हाट्सएप नंबर मौजूद है स्क्रीन पर, डिस्प्ले भी हो रहा है, आप अपनी कुछ वीडियो शेयर कर सकती हैं। और देखें, मैं आपके पास कुछ चीज़ है ना, उसका मिसयूज़ ना कीजिए प्लीज़। मुझे बहुत दुख होगा क्योंकि अब तो वैसे ही फ़ौरन कुछ प्रॉब्लम होती है तो हम, गवर्नमेंट ने हमें बड़ा सपोर्ट कर लिया है, तो प्लीज़ मैं चाहूँगी कि आप अच्छे काम में हमारा साथ दें। अगर आपके दरमियान कोई भी ऐसा टैलेंट है और आप तक वो पहुँचा हुआ है तो हम तक उसकी रसाई नहीं है, तो आप उसका पुल बने, ब्रिज बने, आप उसका प्रॉपर एक चैनल बन जाएं कि ये हमने देखा और हम आपको सभी दे रहे हैं, तो बाखुदा मुझे बहुत खुशी होगी। मैं आपको भी थैंक्स करूँगी कि चले आपने कुछ देखा। और जैसे हुनरमंद कोई खातून है, कोई पर्सन है, कोई बच्चा है, टैलेंटेड है, डिजर्विंग है, हाथ से कुछ बनाता है, तो आपने मुझे शेयर किया, तो ये भी एक सदका जा रही है। आप किसी को भी सपोर्ट करें। और दूसरा, जैसे मैंने कहा नंबर मेंशन है तो ऑफ कोर्स मुझे आप रब्ता कर सकते हैं। मेरी पूरी कोशिश होगी आप गुड मॉर्निंग विद सभी में ना सिर्फ इस चैनल पे आएँ बल्कि पूरे पाकिस्तान में आपको देखा जाए। ये बड़ी अच्छी बात होती है, हम किसी के लिए कुछ स्टैंड ओवर लें। हम, मुझे जो भी फीडबैक दी कि सभी किसी जगह पर भी ऐसा नहीं होता, मैंने कहा मुझे किसी जगह से कंसर्न नहीं है, बट मैं अच्छा काम करूँ। हमेशा याद रखिएगा, आपको अगर दुनिया में भेजा, आप क्या कर रहे हो? आप अपना आप देखो, आप दूसरों को छोड़ दो। तो मैं चाहूँगी कि मैं अपने गुड मॉर्निंग विद सभी में, अगर कोई अच्छा शेफ है, और मुझे एक आंटी भी रोज़ मैसेज करती हैं कि बेटा मैं आना चाहती हूँ, और मैंने कहा आपको इंशाल्लाह मैं फ्राइडे को बुलवाऊंगी। बुलवाने से याद आया कि कल जो ब्यूटिशियंस आ रही हैं वो भी मैंने कहा इनिशियली बता दूँ, तो हुमा हैदराबाद से आ रही हैं और उनके साथ उनके बहुत सारी फ्रेंड्स भी हैं, वो ब्यूटिशियन है। तो कल का ब्यूटी सेगमेंट देखना ना भूलिएगा क्योंकि कल जो है हमारे गेस्ट जो हैं वो हैदराबाद और एक और जगह है, वो भी इंटीरियर सिंध ही है, तो वहाँ से भी लोग आ रहे हैं। देखिए कितनी अच्छी बात है कि PBI एक ब्यूटी ऑर्गेनाइजेशन है, वो सिर्फ कराची नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में, और गिलगित से, जैसे कल कॉल आई थी तो गिलगित से भी बहुत सारी ब्यूटिशियन आ रही हैं और प्लेटफॉर्म आपके लिए हाजिर है। हम चाहते हैं कि हमारे पाकिस्तान में बहुत सारा कल्चर है जिसमें हम सिर्फ चार सूबे नहीं है बल्कि हमारे पास इन, इस कल्चर में सरायकी भी एक कल्चर है, और इसके अलावा हमारे पास गिलगित में है, चित्राल में, और बहुत सारे ऐसे जो शायद हमारे अप्रोच में अभी नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं जैसे मेमन कम्युनिटी में भी बहुत ज़बरदस्त, उनके भी एक कुछ ट्रेडिशंस टच होते हैं, तो इंशाल्लाह हम यहाँ पर
हर तरह के कल्चर को भी दिखाएंगे और उनके खाने भी दिखाएंगे और उनके ड्रेसेस भी दिखाएंगे और हुनरमंद ख़वातीन जो बीट्स से काम करती हैं, कढ़ाइयाँ दिखाती हैं, इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं उनको यहाँ पर भी बुलवाऊँ और मैं वहाँ जाके भी उनके जिस तरह के भी वहाँ काम करें हैदराबाद में, और वो जो पोर्ट्स के ऊपर, वो जो बर्तनों के ऊपर, वो जो मिट्टी के बर्तन, और बाप खुदा मुझे तो वो जो बंदे को कभी आप लोगों ने अहम दी नहीं, जो बंदा मिट्टी से जो कुम्हार है ना, वो बनाता बचपन में कुम्हार, एक कुम्हार का ये पढ़ते थे, मैं ज़रूर वहाँ जाऊँगी। और जो ईंटें बनाते हैं हम इन चीज़ों को अहम नहीं देते, कहते हैं मालूम करो जब गंदम की रोटी, आप क्योंकि बेल के खाते हो ना रोटी खाते हो, कभी सोचा है किसने उगाया, किसने बनाया, कैसे वो प्रोसीजर से आया? तो हम ये सब चीज़ें भूल जाते हैं, तो हम सिर्फ अरे यार ये कच्ची है, ये पक्की है, ये ऐसा है, तो एक प्रोसीजर होता है किसी भी एफर्ट का। इसी तरह खातून, चाहे वो डॉक्टर हैं, हर्बलिस्ट हैं, कुछ भी है, उसके एक एफर्ट होते हैं बहुत सारे जो किसी को नज़र नहीं आते, उसे सिर्फ ये फ्रंट स्क्रीन नज़र आती है कि यार ये बैठी हुई है, वो भी मैं हर्बलिस्ट में मिलवाऊँगी, वो भी बड़ी ब्यूटी, सब कुछ नज़र आ रहा है, उनके पीछे एक बहुत बड़ी दास्तान है जो आपको नहीं मालूम। और ये सिर्फ मेरी या उनकी नहीं, बल्कि आपके पीछे भी एक बहुत बड़ी दास्तान होती है, एक एफर्ट होते हैं जो हम बहुत डिनाय कर देते हैं। तो याद रखिएगा, 100 बार सोचें फिर बोलें, कहते हैं ना पहले सोचो फिर तोलो फिर बोलो। बोलना बहुत आसान है क्योंकि ज़बान ही एक हमारा एक ऐसा ऑर्गन है जिसमें हड्डी नहीं है, तो इसके इस्तेमाल, वो एक कॉमेडी बहुत अच्छी थी, कहते हैं कि भाई ज़बान ज़रा सा हल्का रखा करो, ये ना तुम्हारे 32 भाइयों को बाहर निकाल दें तो ये 2 दांत हैं ना फिर वो टूट जाते हैं। तो ख्याल किया करें, कुछ लोग बहुत बेहतियाती करते हैं, तो लफ्ज़ों को सोच के तोल के बोला करें। चले जी, ये है आज मैसेज, इसमें दोनों चीज़ें हैं। अच्छा, मैंने एक बात की, हम आपको बाहर से बहुत अच्छे नज़र आ रहे हैं, हमारे अंदर पता नहीं कितना गुबार है या हमारे अंदर कितनी तकलीफ़ें जो हमने एक प्रोसीजर से पास आउट हुए हैं, तो वो किसी को नहीं नज़र आती हैं। तो याद रखें, दोनों चीज़ें खूबसूरत होना बहुत ज़रूरी है, इंटरनल भी एक्सटर्नल भी। और कभी कभी हम सामने वालों की बहुत सारी बातें बर्दाश्त कर रहे तो हम स्माइल करते हैं क्योंकि हमारे दिल में अल्लाह रहता है, हम खुश होते हैं, हम कहते हैं यार इसको अपनी तकलीफ़ बता के या इसको तकलीफ़ दे के क्या फ़ायदा। तो ये लोग बहुत ही कम होते हैं बाखुदा, और ये लोग सदा बाहर लोग होते हैं, इनके चेहरे की ब्यूटी जो है ना, हम दूसरी ब्यूटी के पीछे भाग रहे ना, ये ब्यूटी है ना वो आपको 20 साल और ज़िंदगी जीने को मज़ा दे देती है और खूबसूरती में इजाफा करती है। और जो हर वक्त एग्रेसिव होते हैं, होना तो वही है जो मेरे रब की ज़ात है, मैनेज करना सीखे यार। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ऐसे प्रॉब्लम में शोर शराबा, होना वही है, आप अगर कूल डाउन होंगे तो आप ज़्यादा अच्छे तरीके से मैनेज कर लेंगे। चले जी, मैसेज जो मैंने काफ़ी लंबा दे दिया है, और इस वक्त जो है हमारी बहुत प्यारी बहन है वो सुन भी रही हैं, उनसे भी कुछ इसके सिलसिले में शायद बात हो जाए मे भी। चले जी, आज जो है ये तो हो गया आपके साथ मैसेज, ये तो मैं ऐसे ही आपके साथ ज़रा चिलपिल कर लेती हूँ, मज़ा आता है और आपका फीडबैक मुझे मिलता है। और गुड मॉर्निंग में सभी आप देख रहे हैं, और मैं ब्रेक की तरफ नहीं जा रही हूँ क्योंकि मेरे दरमियान है बहुत ही प्यारी, और ये है हेल्थ सेगमेंट, बहुत प्यारी गेस्ट मौजूद हैं। और हेल्थ सेगमेंट में आज जो हम बात करेंगे, मैंने तो इंटरनल ब्यूटी की बात की है, वो बहुत नेसेसरी है क्योंकि अगर आपने लाइफ को जीना है तो फिर वो अंदर की ब्यूटी है। लेकिन अगर हम फर्स्ट टाइम किसी से मिलते हैं तो एक्सटर्नल ब्यूटी बड़ी काउंटेबल है, ठीक है, तो वो उसके बारे में जो है वो हर्बलिस्ट बताएंगी। तो मौजूद है हमारी बड़ी प्यारी सी बैंड डिफरेंट चैनल्स पे, वो छाई हुई है उम्मे राहिल हर्बलिस्ट। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, कैसे हैं? कैसे हो आप? ठीक हो? अल्लाह का शुक्र। सुन रही थी मेरी बातें? मजे मजे की बात है, अच्छी बात है, गुड है, ऐसा होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए। अभी आपने कहा एक्सटर्नल ब्यूटी और इंटरनल की बात कर रहे थे, लेकिन असल में जो है खूबसूरती वो अंदर से ही आती है, उसकी जो रोशनी होती है वो चेहरे पे अक्स करती है, और अगर वो अच्छी है तो सब अच्छा है, सब अच्छा है। अच्छा, मैंने कहा कि हम लोग खातून, हम लोग जब वुमेन से हर, ये तो हमारी नहीं बात, वहाँ बैठी मेरी बहने ऑफकोर्स के एक प्रोसीजर से गुजर के काफ़ी लॉन्ग टाइम गुजारती हैं, तो ऑफकोर्स उनके पीछे एक स्टोरी है। मैं आपकी बात करूंगी यार, इनके ऊपर भी एक प्रॉब्लम आई, अच्छी तो लगती थी उससे ज़्यादा, पर मुझे प्यार इनसे हो गया, तो एक क्राइसिस से गुजरी, नॉट ईजीएस्ट जॉब, फिर लोगों के साथ स्माइल करना। देखो, जिंदगी सिर्फ एक स्मूथ जैसे दरिया नहीं चलता रहेगा, बिल्कुल अप्स एंड डाउन्स हैं,
और जब तक कि अप्स एंड डाउन्स नहीं होते आप आगे नहीं बढ़ सकते. एक रवानी में आप कहाँ तक चलेंगे, बोर हो जाएंगे. बिल्कुल. तो और अल्लाह ताला अपने बंदों को जब दुनिया में भेजा है तो उसने कुछ जज करने के लिए, कुछ चेक करने के लिए भेजा है, अय्याशी के लिए नहीं भेजा है. तो वो जजमेंट जो है वो अल्लाह ताला सारे बंदों को उस उन मराहिल से गुजारता है. किसी के पास कुछ होता है, किसी के पास साथ कुछ होता है, कुछ ना कुछ चलता रहता है. लेकिन बहरहाल ये अल्लाह का करम है, उन मुश्किलों से निकालता भी वही है. वो सिर्फ आजमाता है अपने बंदों को कि चलो आज पैसे की तंगी दे दी, चलो आज बीमारी दे दी, चलो आज देखते हैं ये कितना मुझ पर तवक्कल करता है. कुछ दे के, कुछ छीन के, कुछ ऐसा ही है. उस रब की तो बड़ी ज़ात है. अच्छा जी, हम बात करें आज ब्यूटी की. और मेरे व्यूअर्स हैं, मेरी खवातीन जो घर वाले देख रहे हैं, स्कूल में बच्चों को भेज दिया है और अब फ्री हैं, तो देन आप हमें कॉल कर सकती हैं. और आज हम बात करेंगे हेयर से रेलिवेंट और ब्यूटी से रेलिवेंट. अच्छा, हमारे पास किचन में और बहुत सारी चीज़ें मौजूद होती हैं, और मैं अक्सर आपको देखती हूँ कि आप एज़ कम्पेयर टू होम रेमेडी को ज़्यादा कह देती हैं यार जो ईजिएस्ट हो सके, अगर ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, सीवियर कंडीशन नहीं. तो मैं आज पूछना चाहूँगी. अच्छा जी, बात अभी करनी, कॉल आ गई हमारे पास. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. कौन और कहाँ से? जी मैं लियाकताबाद से बात कर रही हूँ. निशो जी, मुझे उम्मीद है इनसे बात करनी है. जी, फरमाइए. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप फरमाइए कैसी हैं? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ. डॉक्टर, मुझे ये बात करनी है, मेरे ना नाक के ऊपर ना डबल टोन हो रही है, और वो आंखों के नीचे हल्कों के निशान होते हैं ना. जी जी, वो बहुत ज्यादा हो रहे हैं. ओके, मतलब तरीके से खत्म होंगे, आप बता देंगे आप अपना वो पता बताने से मैं वहाँ पहुँच जाऊँगी. ओके, अपनी एज बता दे मुझे बस. मेरी एज 40 है. 40 है. ओके ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ, आप प्रोग्राम देखते रहिए तो डिटेल आपको मिल जाएगी इंशाल्लाह. थैंक यू सो मच. यानी कि अभी स्टार्ट ही नहीं लिया, और अच्छी बात है, मुझे बहुत अच्छा लगा कि उसने कोशिश की, क्योंकि पहले से कॉल लगा. अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये था कि हम लोग जैसे जैसे कुछ लोग होते हैं इतनी एज नहीं होती लेकिन उनकी स्किन जो है ना वो ग्लोइंग खत्म हो जाती है. सही बात. एक्चुअली होता है क्या है कि ग्लो जब हमारे चेहरे पे क्यों ख़त्म होता है कि हम डाइट के ऊपर बहुत जाते हैं. हम समझते हैं कि जी वज़न कम करना बहुत ज़रूरी है, खाने पीने की एहतियात नहीं कर रहे हैं, और खूबसूरती जो है ना दुबलेपन में, मतलब एक बस लीन सी बॉडी के अंदर नहीं है. खूबसूरती जो है एक मुनासिब आपके BMI के साथ, एक चमक के साथ है, जो कि आपके चेहरे पर एक हेल्दी ग्लो होना चाहिए. और डाइट करने की वजह से हम वो हेल्दी ग्लो ख़त्म कर देते हैं. पानी का इस्तेमाल प्रॉपर नहीं होता है कि कौन पानी पिए, सिर्फ लगाने पे तवज्जो दे रहे होते हैं, लेकिन लगाने से जो है ना आपका वो ग्लो नहीं आता, वो वक्ती ग्लो होता है. आपने मेकअप से आपके सब ख़त्म. तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो ग्लो के लिए, आप अगर चाहते हो आपको हेल्दी ग्लो रहे फेस के ऊपर, चेहरा आपका एक फ्रेश लुक दे, तो पानी का इंटेक बहुत प्रॉपर होना चाहिए. फेस की क्लेंजिंग बहुत प्रॉपर होनी चाहिए. नॉर्मली होता है कि सुबह का मेकअप है, रात तक चल रहा है, हल्का सा मुंह धोया और सो गए, ऐसा नहीं है. प्रॉपर क्लेंजिंग करना, प्रॉपर अपना वीकली जो है एक्सफोलिएटिंग करना, स्क्रबिंग करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. आपने जितनी प्रॉपर क्लेंजिंग करनी है आप करेंगे, आपकी स्किन उतनी फ्रेश होगी, उसको ऑक्सीजन का ज़्यादा अच्छा मौका मिलेगा. आपकी डाइट जितनी अच्छी होगी, लाइक उसके अंदर जितना आपने फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं वो खा रहे हैं, आपकी स्किन उतनी अच्छी होगी. जहाँ तक लगाने की बात आती है, जो सीज़न इस वक्त चल रहे बेस्ट है, अनार मौजूद है, ऑरेंजेस आने वाले हैं, और ग्रेप फ्रूट मौजूद है. जितने फ्रूट सर्दी के ना, यूँ समझ लें कि ये आपके चेहरे पे एक वो चमक देंगे जो शिमर देता है. अच्छा, करना क्या है, आपने खाना भी है और उसको लगाना भी है. आप अनार खा रहे हैं, थोड़ा सा जूस लेके अनार का फेस पे मसाज कीजिए, 15 मिनट के बाद वॉश कर लीजिए. कीनू खा रहे हैं तो कीनू का छिलका तो बेस्ट है कि आपने कीनू का छिलका उसको उसका जो ऑयल निकाल निकाल के जो बचपन में आंखों पे मारते थे वो अपने आंखें बंद कर. सोच रही थी भी मैम कहेंगी. जी हम कहते हैं वो देखो और वो आंख के अंदर करते थे, लेकिन वो ऑरेंज ऑयल होता है, और ऑरेंज ऑयल जो है आपके फेस को बहुत जबरदस्त चमक देता है. जबरदस्त. और जो इस मौसम में स्किन बहुत ड्राई हो जाती है. अच्छा, से क्या उसको अगर फॉर एग्जांपल मैं से पूछूं, बच्चों वाला सवाल है, हम अगर ये सारे ऑरेंजेस जो लेते हैं 2-3 दर्जन, अगर हम फॉर एग्जांपल उसको उसका जो ऑयल है वो कहीं बॉटल में रख सकते हैं निकाल के, पॉसिबल? बिल्कुल. अगर उसका ऑयल जो निकालने का तरीका ये होता है कि वो तो जब हम प्रेस करते हैं तो फ्यू ड्रॉप्स निकल रहे होते हैं, वो इस तरह से आप जमा कर ही नहीं सकते. उसको बारीक बारीक काट के बिल्कुल फ्रेश वालों को हल्की आँच पे डबल बॉयलर के अंदर पानी में पकाया जाता है, तो वो तेल ऊपर आ जाता है.
अच्छा, फिर उस पानी को जब खुश करते हैं इससे कि इसके तो पूरे डिस्टिलेशन प्लांट्स होते हैं और ऑयल निकालने के अलग होते हैं, लेकिन अगर आप घर में करते हैं तो वो आपको पानी के ऊपर चिकनाहट आ जाएगी, तो उस पानी के साथ आप उसको निकाल सकते हैं, लेकिन डबल बॉयलर में करेंगे तो वो आपका प्योर ऑरेंज ऑयल तैयार हो जाएगा। हाँ, कतरे जो ना ढक्कन के साथ लग जाते हैं। गुड, तो वो आप लगा सकते हैं। उसके अलावा इस सीजन में दही का इस्तेमाल जरूर कीजिए लगाने के लिए और खाने के लिए, लेकिन दही दिन में खाएंगे, शाम के वक्त नहीं खाएंगे वरना ठंड होगी, बलगम हो जाएगा। भाई गला उस दिन भी मैंने रायता इतना पसंद है, वो मैंने खा तो लिया, उसने मेरा जो है ना इन्फेक्शन गले में कर दिया। ये होता है देर के टाइम में खाइए, लेकिन लगाइए जरूर। चेहरे पे अगर आप दही लगाते हैं और जितना पुराना, और जैसे अभी अभी हमारी कॉलर ने सवाल किया था, जितना खट्टा और पुराना दही लगाएंगे चेहरे को वो उतना ही फ्रेश करेगा, स्पॉटलेस करेगा। जबरदस्त, लेकिन उसका क्या तरीका लगाने का? सिंपल ये कि जैसे थोड़ा सा दही बच गया है घर में उसको आप रख दीजिए, दो चार दिन में उसके ऊपर पानी जैसे आता है, अब वो रखा हुआ है तो वो खट्टा होता जाता है, उसके ऊपर पानी आ जाएगा, उस पानी को सिंपल आपने फेस वॉश करके कॉटन से या चाहे तो सिंपल हाथ से अपने पूरे फेस पे लगा लें, हल्का सा मसाज करें, आधे घंटे के बाद वॉश कर लें। ये पिगमेंटेशन खत्म करने के लिए, डार्क स्पॉट्स खत्म करने के लिए एक्सीलेंट चीज है। यानी कि थोड़ा सा उसको थोड़ी देर, 5 मिनट, कितनी देर मसाज कर सकते हैं? 2 से 3 मिनट का मसाज ताकि अच्छी तरह से उसका मसाज, उसको कुछ और नहीं डालना, कुछ भी नहीं डालना है, डायरेक्ट लगाना, अप्लाई करना, बिल्कुल जबरदस्त। और बस आप आधे घंटे के बाद वॉश कर लें, उसके बाद आप ये रोजाना भी करेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि आपका कलर भी बेहतर हो रहा है और स्पॉट्स जो है वो क्लियर होना शुरू हो गए। अच्छा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, मैं अक्सर सोचती हूँ कि लोग कहते हैं कि रात को जो है ना स्किन को ऐसा करके लगा के सोए, होता है ना जैसे ग्लिसरीन और ये कुछ डिफरेंट होम रेमेडीज है, मेरे जहन में ये है कि यार मैं चाहती हूँ रात को स्किन को सिर्फ वॉश करके उसको उसके मतलब ऑक्सीजन जो है ना लेवल के लिए खुला, उसका मतलब ब्लॉक ना हो, स्किन क्लियर हो बस, बिल्कुल उसको कुछ नहीं लगाया जाए, लेकिन सुबह जाए पता है ड्राई हो जाती है बहुत ज्यादा, तो अभी मौसम चेंज है गर्मियों में तो इट्स ओके, तो अब मेरे जहन में सवाल है कि स्किन को छोड़ दिया जाए कि वो ऑक्सीजन ले या उसके ऊपर कुछ अप्लाई किया जाए। अक्सर लोग कहते हैं ब्यूटी क्रीम लगा के सोए गोरे हो जाएगा, ये करें तो ये हो जाएगा, अब मुझे जरा प्लीज एक कॉलर है इसका सवाल दीजिएगा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम अस्सलाम जी, कौन और कहाँ से? जी मैं उज़्मा बात कर रही हूँ, गुजरांवाला से। जी जी उज़्मा, क्या पूछना मेरी बहन? जी मैं डॉक्टर उमर रही से बात कर रही है। जी जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसी है उज़्मा? वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र जी। उज़्मा डॉक्टर, मैंने पूछना, मेरी बेटी 10 साल की है, उसके ना हर वक्त पेट में दर्द रहता है। ओके, और जो भी चीज खाती है वॉशिंग चली जाती है। ओके ठीक है, और उसके पेट में दर्द भी है, उसको चिड़चिड़ा पाना, उसमें चिड़चिड़ा पाना है, खाना खाते चिड़चिड़ा पाना। उम्र क्या है उसकी? 10 साल। अच्छा, मतलब खाना खाते वो सीधी वॉशरूम जाती है, वो खाना उनके पेट में रहता नहीं, वो डाइजेस्ट करने के लिए नहीं रुकता है। तो डॉक्टर हर वक्त वो बोलती रहती है चिड़चिड़ा पाना है उसमें, तो ये बता देंगे उसका, थोड़ा सा बता दें। चले ठीक है, मैं बता देती हूँ। ठीक है, थैंक यू उज़्मा, बहुत शुक्रिया जी। अच्छा, पहले आपकी बात का जवाब दो, पहले इनकी बात का जवाब। नहीं, वो जो पहले था ना वो बता दे, फिर उसके बाद उज़्मा का जवाब। हम क्या बात कर रहे थे? जो रात को जो रात की स्किन को सिर्फ वॉश करके सोए या उसके ऊपर कुछ एप्लीकेशन करेंगे। ऑफ कोर्स जब एप्लीकेशन करेंगे कुछ भी ब्यूटी क्रीम में, लाइक या तो कोई क्या बोलते हैं सीरम्स जो है, ये कैप्सूल है, लाइक कुछ भी होता है, लोग एक मशवरा देते हैं ना, या चले बादाम का तेल ही समझ ले, ये बोल रहे हैं ऑयल ना, वो मसाज करके, अब क्या ऑफ कोर्स उसकी वर्किंग शुरू हो जाएगी ना, तो अब बताएं कि हमें ऐसे ही सोना चाहिए, कुछ अप्लाई करना चाहिए? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि फेस को ऐसे ही नहीं छोड़ा जा सकता। नहीं, आप खाना पीना छोड़ देंगे तो कितने दिन आप हेल्दी रहेंगे? ओके, तो आपके जिल्द को भी ग़िज़ाइयत चाहिए, लेकिन वो दे क्या रहे, आप उसको जंक फूड दे रहे हैं, अच्छा दे रहे हैं, बुरा दे रहे हैं, ये आपके ऊपर है। लिहाजा जिस तरह डेली रिजीम होती है कि डे की अलग होती है, नाइट की बहुत इंपॉर्टेंट होती है, कि रात को सिंपल लोग कहते हैं जी मुंह धो लिया हम सो गए, ऐसा कुछ नहीं होता है। जो प्रॉपर अपने स्किन का ख्याल रखने वाले हैं उनको तकरीबन बहुत टाइम लगता है, उनकी क्लेंजिंग होती है, स्क्रबिंग होती है, उसके बाद टोनिंग होती है, फिर उसके बाद मसाज होता है, देन लाइट सा उसका शीट मास्क होता है, देन उसके बाद सीरम्स लगाए जाते हैं, तो उनकी स्किन एक बहुत एक प्यारी और एक बड़ी ज़बरदस्त एक आपको हेल्दी लुक नज़र आती है। अगर आप चाहते हैं कि आपके स्किन को ऑक्सीजन मिले, जैसे आपने कहा बिल्कुल सही मिलनी चाहिए,
उसके लिए होता है कि नाइट क्रीम जो है ना बहुत हेवी नहीं लगानी चाहिए। और आपकी स्किन की टाइप क्या है ये आपको पता होना चाहिए। आपकी स्किन ऑयली है तो आपको कुछ लगाने की जरूरत नहीं है कि सिंपल आपने एक कोई सा भी वाटर बेस्ड सीरम लगा लिया जो कि आपके स्किन को हाइड्रेट करेगा, सिंपल वो बहुत है। बट आपकी स्किन ड्राई है या कॉम्बिनेशन तो उसके अकॉर्डिंग आपने प्रोडक्ट यूज़ करनी है। लेकिन सीरम्स बेस्ट होते हैं, सीरम नॉन स्टिकी होते हैं, उसके अंदर आपको चिकनाही नहीं होती है तो वो आपके स्किन को आपके पोर्स को क्लॉग नहीं करते हैं। आप वो लगाएंगे तो जो जिस टाइप का भी सीरम लगाएंगे, चाहे वो एजिंग है या आपके ब्राइटनिंग के लिए या हाइड्रेशन के लिए वॉट एवर, वो सीरम जो है आपके स्किन के अंदर जाके अपना काम करेगा, आपके स्किन को हाइड्रेट एंड फ्रेश करेगा और सुबह आप फ्रेश उठेंगे। लेकिन कोई ऐसी चीज़ आप लगा लें जिसकी पूरी लेयर आपने लगा दी है, मैं हमेशा अपने पेशेंट्स को मना करती हूँ कि क्रीम कभी भी बहुत ज़्यादा नहीं लगाओ। लाइक पी साइज या जो मूंग की दाल का दाना होता है इतना जो है क्रीम बहुत होती है, इसको पूरे फेस पे लगाना चाहिए। हमारे क्या होता है इतनी ज़्यादा क्रीम की पूरी लेयर होती है, वो लेयर जो है आपके पोर्स को बंद कर देती है, आपके स्किन को साफ चले आती है। एक कॉल है, ये तो मेरा आंसर हो गया, थैंक यू। एक और कॉल है, कॉलर है जी, हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या नाम है मेरी बहन? अस्मा। कहाँ से? रांची से। चले जी अस्मा, क्या पूछना है मेरी बहन? नहीं देखो, मेरा ये पूछा था कि मेरे चेहरे पे ना कुछ झाइयों का हल्का सा निशान है, बढ़ता जा रहा है, तो इनके आंखों के नीचे दाग सर्कल। किसका नाफ चेक करनी है? यही बोलने वाली, ठीक है, उसकी नाफ चेक करनी है। नाफ चेक करने का डिफरेंट तरीके होते हैं, आप उसको चेक कर सकते हैं। नहीं आपको चेक नहीं करना था, कोई परेशानी की बात नहीं, स्ट्रेट खड़े हो, जो एक्सरसाइज होती है दोनों हाथ ऊपर करें और बिल्कुल स्ट्रेट झुक के अपने जो अंगूठा है उसको छूना है, ठीक है। उसके अलावा मैं बताऊँ एक सिंपल आसान सी टेक्निक है, अगर नाफ का मसला है तो आपने करना क्या है कि यहाँ से जो हमारी लाइन होती है ज्वाइन होता है यहाँ पे, आपने इस तरह से हाथ रखा, ठीक है, और इसको इस तरह पकड़ा, मतलब इसको यूं कर लिया। अब इसको अब यूं करेंगे, जब आप यूं करेंगे तो आपका ये आपका टच, जिसकी नाफ होगी वो कभी भी टच नहीं करेगा, जिसकी नाफ चढ़ी हुई होगी या उतरी हुई होगी उसका ये अंगूठा यहाँ पे टच नहीं करेगा। मुझे एसिडिटी होती रहती है, बिल्कुल। एक और कॉलर है मेरी प्यारी बहन, हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो, हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन कहाँ से? मैं कराची से उज्मा बात कर रही हूँ जी। पूछिए क्या पूछने जी। मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि विंटर के लिहाज से कोई अच्छा सा फेस मास्क बता सकती हैं डॉक्टर उम्मे राहिल? बिल्कुल बिल्कुल बता सकते हैं, थैंक यू सो मच। जल्दी जल्दी जी जी, मेडिसिन वगैरह से नहीं, ठीक है, ओके जानी, बहुत शुक्रिया। अच्छा हम जरा सा, क्योंकि वो आंसर्स रह जाएंगे, उस बच्ची का क्या है? उतना ही आप मेरी प्यारी बहन, बहुत इजीएस्ट है, उन्होंने यूं कहा और इसको झटके से लाइक अंगूठे को यूं करें, और मेरा भी बहुत करीब करीब रुक रहा है, इसका मतलब है मुझे जो एसिडिटी होती है थोड़ा सा मेरे साथ भी डिस्टर्बेंस है, ये मैं भी अंगूठे लगाया करूँ, बिल्कुल। और एक फर्क है, एक बात उन्होंने कहा बच्ची बोलती बहुत है, चिड़चिड़ी बहुत है, तो उसका भी मौसम बहुत अच्छा है, पूरे स्टमक अंदर से डिस्टर्ब, तो 5 अखरोट उसको रोजाना खिलाया करें। अच्छा, तो इंशाल्लाह डाइट में भी, डाइट, लेकिन वो रुक नहीं रहा तो वो 5 अखरोट भी, 5 अखरोट क्या होते हैं, चलते फिरते बच्चा एक दिन में खा लेगा खाना, और फिर खाना उसको पोर्शंस में देना है, और लिक्विड थोड़ा सा, मतलब सॉलिड इतना ज्यादा नहीं देना, थोड़ी सी खिचड़ी है दलिया इस तरह की चीजें दें और उसकी नाफ करेंगे तो बिल्कुल सेट हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा एक और भी चीज है कि हम कुछ बच्चों को खिलाना चाहते हैं, उनका दिल नहीं करता, तो मैं ये समझती हूँ जो उनका दिल करता है उन्हें वो दे दे, तो ऐसे ही है बिल्कुल। अल्लाह ने करो कोई बड़ी बीमारी तो नहीं है ना, अगर उसका दिल कर रहा है कि फ्रेंच फ्राइज खाने को खिला दे उन्हें, उसका दिल कर रहा है ना, तो ये बहुत जरूरी है। सेकंड क्वेश्चन पिगमेंटेशन का था, अंडर आई पहले वाले का भी यही था, इनका भी यही था, तो एक तो मैंने आपको बताया था दही के पानी का, इन्होंने कहा घर की चीज़ों से बताती हूँ ताकि लोगों के लिए ईजी हो जाए। सेकेंड ये कि जो मूली के बीज होते हैं बड़े आराम से मिल जाते हैं, मूली के बीज को आपने पीस लेना, उसका पाउडर बना लेना, उसको आपने प्लेन रोज वाटर के साथ या सादे पानी के साथ पेस्ट बना के उसको लगाना है, फेस को वॉश करना है, देन उसके बाद अपने फेस पे लगाना है, थोड़ी सी इचिंग फील होगी, मूली का बीज तेज होता है और हल्की सी रेडनेस हो सकती है, उसमें टेंशन की बात नहीं, वो आप लगाएंगे 15 मिनट के बाद सादे पानी से वॉश कीजिए, दही का पानी लगा लीजिए और फिर आप 15 मिनट के बाद वॉश कर लीजिए। ये आपने हफ्ते में 4 दफ़ा करना है, मतलब एक दिन छोड़ के एक दिन आप करना शुरू कर दीजिए, तो इससे आपकी बहुत जल्दी फेड होना
निकलना शुरू हो जाएंगी। उसके अलावा जो है अगर स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव नहीं है तो सिरका और नमक मिला के ये छाइयों के ऊपर लगाएं और आधे घंटे के बाद वॉश कर लें तो ये भी छाइयों को लाइट करना शुरू कर देता है। पपीता फेस पे ज़रूर लगाइए, कच्चा नारियल फेस पे लगाइए, ये वो चीज़ें या जो भी फ्रूट खा रहे हैं उसका पल्प आप लगाइए तो आपके फेस को एक फ्रेश लुक देगा और छाइयों को कम करेगा। साथ में इवनिंग प्रिम रोज लाजमी खानी है आपने, आप किसी भी एज में हैं डेली अगर आप खाते हैं तो आपके हार्मोन्स बैलेंस होना शुरू होंगे और पिगमेंटेशन लाइट होना शुरू हो जाएगी। क्या बात है, जबरदस्त। एक और कॉलर है, हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम, कौन और कहां से? मैं किरण बात कर रही हूँ कराची से। जी किरण, क्या पूछना है? मैंने पूछना डॉक्टर उमर रहीम से ना, उनसे कारण ये पूछा ना, पत्थों का खिंचाव बढ़ गया है गर्दन से ना बाजू तक। अच्छा, खिंचाव बढ़ गया, आप ये कह रही हैं? हाँ जी, खिंचाव काफी है और पेन भी है। वेट कितना है आपका? जी जी, आपका वजन का वजन है और उम्र कितनी है? उम्र जो है 40 है। हाँ जी, और वजन? वजन 80। ठीक है, अच्छा बोलिए। और ना मैं पूछना चाह रही थी, मेरी है एक्स्ट्रा ड्राई स्किन, भूल जाते हैं। अच्छा जी, आप लोगों ने, मैं एक ब्रेक लेना चाह रही हूँ छोटी सी, और मैम आपने मेरे साथ ही रहना है, साथ साथ हम किचन में भी जाएंगे, एक और कॉल आ गई, कॉल लेके फिर हम चलते हैं, ठीक है? हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन और कहाँ से है मेरी बहन? मैं सफिया अजहर बात कर रही हूँ। कहाँ से? कराची से। सफिया जी, क्या पूछ रहे हैं मेरी बहन? और सभी आप कैसी हैं? मैं, आपका शो बहुत अच्छा लग रहा है। क्यों सो मच, सवाल कर लीजिए जल्दी से, टाइम नहीं है। ये मुझे मेरा ही से ये सवाल करना है कि मेरी उम्र 42 इयर्स है। ओके। और मेरा वेट बहुत ज्यादा है। ठीक है, 100 अबव है। ठीक है, ठीक है। तो अब ना मेरा मतलब बीपी, पहले तो मुझे हाई नहीं रहता था, अब मेरा बीपी दिन ब दिन हाई रह रहा है ना। एक दफा शूट भी हुआ तो मतलब अब मैं अपनी मेडिसिन तो ले रही हूँ लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही। तो सुबह सुबह ना मुझे चक्कर वगैरह आते हैं। सही है, चलिए ठीक है मैम, मैंने आपका सवाल ले लिया, हम ब्रेक के बाद आपके सवाल का जवाब देंगे। ठीक है सफिया जी, अपना ख्याल रखिएगा। जी नाज़रीन, हम लोग यहाँ लेंगे छोटी सी ब्रेक, को मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ एन उम्मे रहीम के साथ। गुड मॉर्निंग विद सभी का किचन, और ये मॉर्निंग शो का ऐसा किचन है जहाँ हम दे रहे हैं आपको अपॉर्चुनिटी, और आज भी बहुत ही प्यारी सी मेरी बहन मौजूद है और शेफ हिना यहाँ पर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो हिना जी? अल्हम्दुलिल्लाह, आई स्मिट विद यू, मैंने बहुत अच्छा लगा आज आपको देखा। थैंक यू। और मैं और भी तमाम लोगों को इनवाइट करती हूँ, आप लोग तो शो देखते हैं जी, और मैं गौतम का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, एंड सुमैया जी स्पेशली लव यू माई सिस्टर, कि आप इतना अप्रिशिएट करती हैं एंटरप्रेन्योर्स वुमेन्स को एंड वो खवातीन को जो आगे बढ़ना चाहती हैं कुकिंग में, तो ये आपको क्रेडिट गोज टू यू। तो मुझे अच्छा लगा सुमैया जी, अगेन आपका थैंक यू, एंड गौतम का बहुत शुक्रिया, इंस्टीट्यूट का जो बहुत ज़बरदस्त स्टूडेंट्स जो हैं या वहाँ पर जो लोग सीख रहे हैं उनको बहुत ज़्यादा एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है जी, हम चलिए इस वक्त ही ना शेफ की तरफ चलते हैं ना, आज कौन सी डिश है उसका जी, नाम मैं आज फ्राइड विंग्स बना रही हूँ। ठीक है, उसके साथ वेजी सर्व करेंगे हम। यहाँ पे देखिए मैंने फ्राइज विंग्स ली हैं, ठीक है, 1 kg। ये दो स्टेप्स में बनेगा, पहले इसका लिक्विड बैटर बनेगा और फिर ड्राई बैटर। अच्छा एक मिनट, सब पहले इंग्रेडिएंट्स मेरी जान बताओ। अच्छा मैं आपको, ये सारे कवर हो गए इसलिए
वो चीजें नजर नहीं आ रही है, अब बताओ क्या क्या डालना है। अच्छा ठीक है, देखिए फर्स्ट स्टेप में मेरे पास है कॉर्नफ्लोर है 1.5 टेबल स्पून, ठीक है, और 3 टेबल स्पून फ्लावर है, ओके, ऑल पर्पज फ्लावर, ठीक है, 1/2 टी स्पून जो है ये मैंने बेकिंग सोडा लिया है, 1 एग, इसको हम थोड़े से पानी से लिक्विड बनाएंगे, ठीक है, और ये फिर ड्राई बनेगा बैटर। इसमें मैदा है 3 कप्स, ठीक है, चिकन पाउडर है 3 टेबल स्पून, और 1.5 ओके 2 टेबल स्पून के करीब है ब्लैक पेपर पाउडर, ठीक है, काली मिर्च है और ऑल पर्पज फ्लावर है और चिकन पाउडर है, ठीक है जी। ये वैसे मेरे घर में मेजोरिटी ये चीजें घर पे अवेलेबल जी, ये सारी वही चीजें जो घर पे, और ये बॉइल पोटैटो जी मैंने इनको ब्लांच किया हुआ है ताकि हमारे फ्राइंग में जल्दी हो जाए, इसलिए किया ताकि मैं खाना सकूं। चलें आगे चलते हैं। अच्छा सबसे पहले क्या स्टेप है मेरी जान? सबसे पहला स्टेप है कि मैं इसका ड्राई बैटर बनाऊंगी, और फिर चलो स्टार्ट कीजिए, बिस्मिल्लाह कीजिए। मैं अपने नाज़रीन से बात कर रही हूँ साथ साथ, और जी इस वक्त हमारे दरमियान शेफ है ना मौजूद है, और एक जबरदस्त, अच्छा ये एक और बात है यार, ये जो बड़ी मतलब एक्सपेंसिव चिकन नहीं ले सकते, देन हम विंग्स भी ले सकते हैं, और विंग्स बहुत इजीएस्ट एंड कम बजट में आपकी ये डिश बन सकती है जी। और घर में जो हम लोग थोड़ी सी तकरीब वगैरह करते हैं, गेट टुगेदर, कॉलेज इज गोइंग, गर्ल्स एंड बॉयज, तो वो जो है इजीएस्ट आप लोग घर में, और शाम में चाय के साथ भी आप सर्व कर सकते हैं, कोई गेस्ट आ जाए तो बहुत रीजनेबल है ये, बजट फ्रेंडली रेसिपी है ये। अच्छा साथ साथ बता, एग के अंदर मैंने एक एग लिया है, कॉर्नफ्लोर लिया है, और 3 टेबल स्पून फ्लावर लिया है ऑल पर्पज फ्लावर, बस थोड़ा सा पानी डाल दिया हम ऐसे कर ले ताकि एग गुड यस कैप्चर भी होता जाएगा, और पानी डाल के पानी ऐड करेंगे। मैं वैसे एक बात बताऊं, इन लड़कियों को आने से ना मुझे ये हो गया, थोड़ा मैंने सीख लिया, पहले मैं ये कि बस थोड़ा वेजिटेबल वगैरह, लेकिन अभी अच्छा ये भी काफी फ्लेम में ऑयल गर्म हो गया जी, वैसा मैं इसको, और मैं वहां पर बैठे हुए जो लोग हैं देख रहे हैं इस वक्त, और एक दो कल कॉल्स भी आई थी मेरे पास, और वो आना भी चाहते हैं, तो जरूरी नहीं है कि आप किसी इंस्टीट्यूट से आप होम मेड अपना जो वर्किंग कर रहे हैं ऑनलाइन, कल मौजूद थे हुज़ैफा या हमजा, वो ऑनलाइन करते थे, उनका पिज्जा हट भी है एक्सप्रेस के नाम से आई थिंक, तो उन्होंने बड़ा अच्छा यहाँ पर कुकिंग किया, और मैक्रोनी वगैरह आई थिंक स्पेगेटीज बनाई थी मुझे याद है, तो इसी तरह बहुत सारे लोग हैं जो अपना ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मेरी ख्वाहिश है कि अल्लाह पाक आप लोगों को आप किसी के मोहताज ना हो, और मेरी बहन भी इतना आगे आप लोग बिजनेस डेवलप करेंगे आपको किसी की ज़रूरत ना हो, कभी भी अपने बाजू कहते ना अपने बाजुओं पर और अपने पाँव पर खड़े हों, सही है ना जी, अपने बाजुओं पे ना खड़े अपने पांव पे खड़े हो, अपने बाजुओं को स्ट्रॉन्ग कीजिए। अच्छा जी आ जा मेरे, क्या चाहिए? बिल्कुल ये स्टैंड ऊपर लगा लेती ना शहजादी, ये है लाइव शो और हमें कहीं पर भी जरूरत हो हम मूव कर सकते हैं। ये जी काली मिर्चों को मिक्स कर दिया किसमें जी, फ्लावर था 1 का, ब्लैक पेपर पाउडर था, सॉल्ट था, ओके, और चिकन पाउडर, तीनों चीजों को आपने फ्लावर करना है, चिकन पाउडर एंड ब्लैक पेपर और सॉल्ट, ठीक सॉल्ट, अच्छा इसमें जायका नमक भी, ठीक है, चार चीज़ हो गई ना, गुड, चारों चीज़ों को आपने मिक्स करना है। ये मेरे ख्याल में आप इसको जी हम कोटिंग करेंगे, कोट करेंगे, थोड़ा आ गया मुझे भी, वरना यकीन करें मुझे वैसे इस तरह की ये इतना ऑयल चंदा गर्म, ठीक है जी, ठीक है। अच्छा जी हम लोग साथ साथ ये मिक्सिंग हो रही है, मैं चाहूँगी उम्मे राहील हमारे दरमियान मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं, और जी मैम ये बताएं हमारी जिंदगी में ये जो खाने कितने हैं, मैं खाना ही जिंदगी है इसी के लिए तो करते हैं, पेट के साथ तो सब जुड़े हुए, और खाना नहीं होता तो शायद कोई कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी, बिल्कुल, लेकिन अच्छा खाना चाहिए, हेल्दी खाना चाहिए, इसलिए कि अगर आप हेल्दी खाते हैं तो कभी आपका वेट नहीं बढ़ेगा, बेहतरीन जबरदस्त। अच्छा एक और बात है मैम, मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि ठीक है कभी कभी बाहर खा लेना चाहिए, लेकिन रेगुलर बाहर खाने हमारे लिए नुकसानदेह नहीं होते? बहुत ज़्यादा नुकसानदेह, और देखिए सारा मसला वही वाली बात आती है कि सिलेक्शन क्या है, आप खा क्या रहे हैं, आपको नहीं पता कौन सा ऑयल इस्तेमाल हो रहा है, अभी आप देख रहे हैं आप कितनी सफाई से चीज तैयार कर रहे हैं, वहाँ तक आपको नहीं पता शायद, क्यों बातें करेंगे, लाइव कॉल आ गई फिर मैं क्या करूँ। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मैं राहील बाजी से बात कर रही, बिल्कुल मैं समझ गई थी मेरी जान, मैं समझ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मिशेल फातिमा है। चले जी बात कीजिए मैम, शिफ्ट हो गए हम आपके पास, अब आप सवाल कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब, मेरे साथ ये मसला मुझे कोठी पर जाते हैं, कुछ भी खाते हैं धिकार आते हैं, कच्चे कच्चे धिकार आते हैं, फिर जैसा कुछ नहीं आता मेरा सांस नहीं आता,
जब उल्टी आ जाती है गैंटर तक उल्टी मतलब बेकार रही है, जब उल्टी आ जाती है तो फिर मुझे सुकून मिल जाता है। कॉन्स्टिपेशन तो नहीं है आपको? नहीं मतलब मैंने सब उसके मैंने टेस्ट करवाए तो उसने बोला कि आपसे ना कोडी करती, जब मैं करवाती हूँ उसके नाम आ जाते तब ये करते हैं कहते हैं कोडी पड़ती है आपको। ओके तो मुझे ना इस चीज का मसला है, जब तक मुझे उल्टी नहीं आती है बस बेकार आ जाएंगे, एक घंटे तक मुझे सांस भी नहीं आता है तो फंस गया कुछ, जब तक उल्टी नहीं आएगी तब तक मुझे सांस नहीं आएगा। ओके अच्छा एक तो आपने आप कहाँ से बात कर रही हैं? मैं कराची से बात कर रही हूँ। कराची से बात कर रही हैं, अगर पॉसिबल हो तो मुझे अपनी रिपोर्ट सारी चेक करवा दीजिएगा, कुछ टेस्ट होते हैं वो आपके हो जाएंगे तो इंशाल्लाह उसके बाद कर लेंगे, लेकिन अभी जो घर के लिए मैं कुछ चीज़ें बता देती हूँ वो इस्तेमाल करना शुरू करें तो इंशाल्लाह जो है बेहतर होना शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह। ओके थैंक यू सो मच। अच्छा साथ साथ अभी बिल्कुल आपका इसका आंसर देंगे, लेकिन मैं जरा नाज़रीन को कुकिंग की तरफ थोड़ा हिना बताएंगे ना कहाँ तक पहुँचा, फिर हम लोग सामने रहेंगे जी। अभी पहले एक साइड हो जाए फिर हम टर्न करेंगे, ठीक है हम उस साइड चले फिर उमेर आई की तरफ जी मैम आप आंसर दीजिएगा। अच्छा मैं इनका बताते हैं, एक्चुअली इनकी ना पूरा एक कंप्लीट चेकअप एंड टेस्ट वगैरह की हमें रिक्वायरमेंट होगी, बट वो हम कर लेंगे। फिलहाल जब तक नहीं होता, एक तो इन्होंने ग़िज़ा बहुत हल्की इस्तेमाल करनी है, बड़े का गोश्त बादी चीज़ें इस्तेमाल नहीं करनी है, दूसरा पुदीने का सौंफ का और बड़ी इलायची का कहवा बना के दिन में खाने के साथ पीना है लाजमी, दिन में 2 बार, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। पुदीना बड़ी इलायची और जो है सौंफ का जो कहवा आप बनाइए, थोड़ा सा 1.5 कप पानी के अंदर आपने चंद पत्तियाँ पुदीने की डाली, आधा चम्मच सौंफ का डाला है और 1 बड़ी इलायची जो है वो आपने डाली, उसको खूब पका लीजिए, जब 1 कप रह जाएगा तो उसको आपने पीना है गर्म, ये दिन में 2 बार पीना है। उसके अलावा अरके पुदीना आता है आराम से मिल जाता है, ये सुबह और शाम 1/4 कप जो है ये पीना शुरू कर दीजिए तो इससे भी बहुत फाका होगा। खाना थोड़ा थोड़ा करके खाना है तो इंशाल्लाह बेहतर होना शुरू हो जाएगा। हमारे इधर मैंने एक और कॉलर है, हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन है कहाँ से? मैं गुजरावाला से बात कर रही हूँ। क्या नाम है मेरी बहन? मेरा नाम रेहाना है, मैंने अपनी बेटी का पूछना था डॉक्टर साहब। हाँ जी बात कीजिए उमेर अहिल, बात कीजिए जी। रेहाना क्या हो गया है? मेरी बेटी की उम्र 18 साल है, तो वो ना सर्दियाँ जब आती है ना खास तौर पे विंटर में ना लास्ट लाइन की होती है ना होटो के, वो ना नुमाया ज्यादा उभरी उभरी लगी हुई थी, लाइने नहीं है वैसे, वो स्किन जो है जैसे उबार थोड़ी सी आ जाती है। अच्छा स्किन आप बता रहे, ड्राई स्किन है? ड्राई स्किन इतनी भी नहीं है अभी तो, जाहिर 14-15 साल उम्र है, मतलब कि वैसे वो जो सर्दियों में ज्यादा नुमाया होता है गर्मियों के निकट। ठीक है मैं बता देती हूँ, बिल्कुल बता देती हूँ। थैंक यू जी मैम बताइए ना आप बताइए। एक्चुअली इन्होंने कहा था कि बच्ची की जो स्किन है वो सर्दियों में जो लाफ लाइन जैसे हो जाती है, तो पहली चीज ये है कि बच्ची की स्किन को प्रॉपर मॉइस्चराइजिंग चाहिए, उसकी डाइट का आपने ख्याल रखें, बच्ची बहुत छोटी है उसमें हम ये नहीं कह सकते कि लाफ लाइन अपियर हो रही है, ये सिर्फ ड्राइनेस की वजह से जो है रफनेस की वजह से उसकी स्किन ड्राई हो रही है, उसकी डाइट का आपने ख्याल रखना है। और सर्दियों के लिए से गुजरावाला से कॉल थी तो सर्दियों के लिए ख़ास बात कहूँ कि वैसे तो पूरा साल आपको करना चाहिए, बट इन विंटर्स स्पेशली जो है आपने करना क्या है कि रात सोते वक्त बेली बटन में यानी नाफ में, पैरों के तलवों के ऊपर और नाक के अंदर कोई सा भी तेल, सबसे बेस्ट है आप जैतून का तेल इस्तेमाल कर लीजिए या बादाम का तेल इस्तेमाल कर लीजिए या फिर आप जो है ना सफ़ेद तिल का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ये 3 चीज़ें आप करना शुरू करेंगे तो आपकी बॉडी के ऊपर ड्राइनेस नहीं आएगी, आपको स्किन के प्रॉब्लम्स नहीं होंगे, और इस बच्ची के लिए कोशिश कीजिए कि वो अच्छा मॉइस्चराइजर इस्तेमाल करें। तो आसान तरीका बताऊं, फ्रेश क्रीम बलाई जो होती है डब्बे वाली क्रीम ले लीजिए, उसके अंदर आपने ग्लिसरीन डाल लें, तकरीबन 2 चम्मच आपने बलाई लिए, 1 चम्मच आपने ग्लिसरीन ऐड किए, 1 चुटकी आप हल्दी ऐड करेंगे और वनीला एसेंस ले लें या कोई भी खुशबू ले लें, वो उसके अंदर चंद कतरे डाल लें और तकरीबन 3 कैप्सूल विटामिन ई ऑयल के डालेंगे, विटामिन ई के कैप्सूल डालेंगे 3 उसके ऑयल निकाल के, इसको आप बना के फ्रिज में रखिए, पूरा महीना चलेगी ये आपकी। और ये क्रीम बच्चों को लगाना शुरू कर दीजिए, पूरे सीजन आप लगा सकते हैं, बल्कि बड़े भी लगा सकते हैं, रात को लगाइए हाथ पैरों पे लगाइए, इंशाल्लाह पूरे जो विंटर आपके स्किन ना ड्राई होगी ना फ्लेकी होगी ना डार्क होगी और बहुत अच्छा कलर भी अच्छा रहेगा और स्किन भी स्मूथ रहेगी इंशाल्लाह। चलिए जी थैंक यू सो मच।
हम हेना से पूछते हैं आप कौन सा स्टेप है ना ये बताइएगा। जी देखिए विंग्स हमारी रेडी हो गई है, अब हम इनको निकाल लेंगे। गोल्डन ब्राउन हो गई है बिल्कुल। जी जी आ जाइए आ जाइए आ जाओ हेना हेना क्योंकि खुद बना रही है तो मैं चाहती हूँ थोड़ा सा थैंक यू ये बेहतर तरीके से ब्रीफ भी करिए देखे ना क्या जबरदस्त ओके। उसके बाद का स्टेप भी क्या है? बस अब हम इसके बाद हम जो वेजीज हैं उनको अच्छा ऑयल का भी इस्तेमाल तो नहीं करना ना जी इसको? हम इसी में वेजीज सब्जी चले जल ठीक है ठीक ओके डन है ठीक है। ऑयल भी गर्म है और उसी में इन्होंने वेजीज हमारी ब्लांच हुई हुई है ठीक है तो ये इजीली हो जाएंगी थोड़ा सा हल्का सा जैसे बॉइल्ड हुआ है तो लाइट अगर फ्लेम ऑन करने पहले मैं थोड़ा सा स्लो रखूंगी कि अंदर से गल जाए हीट चली जाए देन मैं इसको तेज कर दूंगी फिर हम इसका सॉस बनाएंगे। तो बना लेते जब तक हो जाए मेरे ख्याल में साथ साथ हम लोग अपने इसको डिश का नाम भाई बताती रहा करें थोड़ी थोड़ी देर बाद। जी हमें आज स्पाइसी विंग्स बना रहे हैं स्पाइसी विंग। एक कॉलर है हमारे दरमियान हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी इससे रहने दो उसी पे इससे रहने दीजिए शायद नहीं फिल्म। जी अस्सलाम वालेकुम छोटे बच्चे मैं किरण बात कर रही हूँ कराची से। जी किरण क्या पूछ रहे हैं शहजादी? बात कीजिए बात कीजिए। उमेश जी किरण कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ अल्लाह का शुक्र है। जी जी किरण बोलिए। मैंने पूछा था मेरे दर्द है जो है ना ये ना खिंचाव पैसा हो गया और ना ये गर्दन से लेके ना मेरे पास हाँ। दर्द है मैंने दवाई भी ली है लेकिन मुझे ना कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। बिल्कुल बिल्कुल आपने अभी भी पूछा था सॉरी आपका पेन भी बहुत ज्यादा है मुझे आप ना ये इसको बता दें और ना मेरी ना स्किन के बारे में पूछना था मैंने एक ही कंधे में दर्द होता है आपके? जी जी एक साइड पे लेफ्ट साइड पे। ठीक है मैं बता देती हूँ। अच्छा चलिए जी उम्मीद है अभी इनका आंसर दीजिएगा थोड़ी बात कर ले ठीक है। अच्छा अभी मैं जो है ना इन्होंने अभी कितना रह गया वो बताओ पहले फिर थोड़ा सा हो जाए तो फिर इसको निकाल लेंगे थोड़ी क्रिस्पी हो जाए थोड़ा क्रिस्पी हो जाए। अभी मैं थोड़ी भाई हिना से हिना को तंग करती हिना शेफ को जब कॉल आ रही तो मैंने कहा उसमें थोड़ी सी मिर्ची कम है तो कही ओ नहीं 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 ऐसा नहीं कि वो सॉस बनेगा ना उसमें बहुत स्पाइस होगा मैं जज्बाती हूँ कि कुटी हुई मिर्ची मैंने उठा ली मैंने कहा यार थोड़ा मिर्ची चखी है मैंने इसमें से थोड़ी मिर्ची कम है तो थोड़ा ये लाइव शो में सब कुछ चलता है। आप ये बताइएगा कितने टाइम से आप कुकिंग शेफ कुकिंग कर रही हूँ लेकिन अभी मेरा एक सेमेस्टर चल रहा है। अच्छा जबरदस्त लाइव कोई आपका फेसबुक आईडी या कुछ ऐसा जी मेरा यूट्यूब चैनल है सगीनाज किचन के नाम से। क्या नाम है? सगीनाज। सगीनाज अच्छा अपना नाम आपका हिना है आपने सगीनाज क्यों कर दिया? एक्चुअली मैंने वालिद साहब जब मेरे के जाने के बाद मतलब तो उनका नाम सैयद सगीर अहमद था तो मैंने उनके सगीर का जो ऐसे जी लिया क्योंकि वालिद साहब के बाद ही मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया था। देखिए ऐसी बेटियाँ होती हैं और ये कहीं नहीं भूलती अपने पेरेंट्स को। ये बेटियों के अंदर मैं ये नहीं कहती बेटे नहीं करते हैं लेकिन बेटियां जो है ना उनकी चाहत शादी के बाद बच्चों के बाद मैं देखती हूँ वो बढ़ जाती है मजीद। हमारे दरमियान एक कॉलर है अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मैम कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। कौन है हमारे साथ मेरी प्यारी बहन? मैं ज़ारा फहीम बात कर रही हूँ कराची से। जी ज़ारा कैसे हो आप? ठीक हो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। आपका शो जो है बहुत अच्छा चलता है रोजाना न्यूज से न्यू पर्सनैलिटी से आप लोग आप हमें मिलवाती उनसे हम लोग कर लेते हैं। आप लोगों की दुआएं हैं बस कोशिश कर रहे हैं हम लोग ना अच्छा प्रोग्राम करने की बस और कुछ नहीं। आपका शो चलता है मुझे उमर आइल से भी एक सवाल करना था। जी बात कीजिए मैम से बिल्कुल कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। मैम मुझे ये पूछना था मेरे बाल जो है ना बहुत ज्यादा रफ हो गए मतलब ना वही आपकी वाली बात के डाइट कर करके जो है ना थोड़ा सा रफ बाल में मतलब शाइनिंग नहीं है प्रोटीन जो बालों में होता है ना वो चीज खत्म हो गई सही है। तो उसके लिए कोई ऐसी होम रेमेडीज बताएं जो मतलब शाइनिंग वापस आ जाए दोबारा। ओके मैं आपको बता देती हूँ आप सुनती रहिए मैं भी आपको बता देती हूँ। अच्छा बालों की रफनेस के लिए शाइनिंग के लिए सबसे अच्छा जो है आपका एलोवेरा जेल होता है फ्रेश एलोवेरा जेल लीजिए उसके अंदर विटामिन ई ऑयल आपने मिलाना है और इस ऑयल इस जेल को जो है आप रात को तेल आप कोई सा भी लगा रहे हैं लगाते रहिए लेकिन ये जो जेल है ये आपने डेली बेसिस पे लगाना है अपने बालों में रूट से लेके एंड तक और लगा के छोड़ दीजिए। मॉर्निंग में आप प्लेन वाटर से वॉश कर लीजिए जब आप ऑयलिंग कर रहे हैं तब भी आप लगाइए आप कुछ ही दिनों में देखेंगे कि आपके बाल जो है ना स्मूथ होना शुरू हो गए। और हफ्ते में एक बार आपने मेयोनीज लेना है उसके अंदर आपने अंडा मिलाना है और एक अदद केला मिलाना है इनको मास्क बनाना है और ये मास्क आपने हफ्ते में एक बार लगाना है तो ये बालों के नरिशमेंट के लिए बहुत अच्छा होता है इंशाल्लाह जो रफनेस फ्रिजीनेस है वो ख़त्म हो जाएगी। जबरदस्त
अच्छा इससे पहले वाली की कॉल का उनका आंसर दे दे जी। उनके शोल्डर का मसला था, एक तो उनको कपिंग करवानी चाहिए लाइक हिजामा, उनके लिए बहुत अच्छा उनको हिजामा करवाना चाहिए। सेकंड जो है तीन चीजें बता देती हूँ उसके लिए। देखिए होता क्या है कि दर्द कंट्रोल करने के लिए सुरंजान शीरी ले लीजिए, असगर नागौरी लीजिए, और इसके साथ साथ जो है ना आपने सिंघाड़ा लेना है, बड़ी हर लेनी है। असगर नागौरी, सुरंजान शीरी, सिंघाड़ा और बड़ी हर, ये मैं बिल्कुल माइल्ड सा बता रही हूँ। और एक पांचवी चीज आप ऐड करेंगे सौंठ, ड्राई जिंजर, इनको आपने हम वजन लेके सफूफ बनाना है, और सुबह दोपहर शाम एक एक चाय का चमचा ये आपने सादे पानी के साथ खाना है। इसके अलावा जो है आप जो है अपना तिल का तेल लीजिए, उसके अंदर जैसे एक प्याली तिल का तेल लिया, उसके अंदर एलोवेरा जेल डालेंगे, उसके अंदर आपने जो है कस्ते शीरी डालना है, इसको खूब पकाएंगे। जब ये जल जाएगा तो इस तेल की आपने मालिश करनी है और उसको कवर कर देना है, हल्के हाथ से मालिश करेंगे कवर कर देंगे, और ये जो पाउडर है ये आप खाते रहिएगा। और इसके साथ साथ आप लाजमी कपिंग करवाइए और वजन कम कीजिए, और थोड़ी सी एक्सरसाइज जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हल्की फुल्की एक्सरसाइज जो है आप करते रहेंगे तो ये मूवमेंट अच्छी रहेगी, और जो पेन और जो मूवमेंट में प्रॉब्लम हो रही है ये इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। जबरदस्त। और बिल्कुल ये अभी उमेरा किसी का आंसर तो नहीं रहेगा, चलिए एक वेट का रहेगा। अच्छा, वो मैं फिर आपके पास बिल्कुल शिफ्ट कर दूंगी। लास्ट जो प्रोसीजर है सॉस का, तो ये गोल्डन ब्राउन हो गए हैं इनके, बिल्कुल हो गए हैं, विंग्स भी ठीक है। अब मैंने ऑयल लेके इसमें थोड़ा सा मैं बस ये लास्ट प्रोसीजर है, फटाफट विद इन 3 मिनट्स के अंदर इसे क्लोज कर दीजिए, ठीक है जी। मैं नहीं चाहती कि ये ना का कुछ रह जाए जो है कुकिंग में, और मेरी बहुत सारी दुआएं ना के लिए जी। सबसे पहले कुटी हुई मिर्च डालें जी, कुटी हुई मिर्च डालें, ठीक है ओके। अब हम बारबेक्यू सॉस डालेंगे, बारबेक्यू सॉस टच बड़ी जबरदस्त सी बनती है ये, चटपटी सी, केचप दैट्स गुड, एंड शुगर जाएगी वन। अच्छा ये भी है जी, गुड। सोया सॉस, सोया सॉस कौन सा ये, ओके नेक्स्ट, ओके जबरदस्त। स्क्रीन पर बड़ा आउटस्टैंडिंग आ रहा है, फुल डिश नजर आ रही है ना आपकी, जबरदस्त। अच्छा देसी टच की तरह थोड़ा थोड़ा ये डाला, थोड़ा ये डाला, अंदाजे से टेस्ट आप जितना आपको अच्छा लगता है दैट्स गुड, वो आप ले सकते हैं। और जी ये जो डालूंगी मैं पेपरिका पाउडर, ओके ओके गुड है। इसे भी खुला हुआ है या नहीं जी? खुला ओके टीस्पून, ये मिर्ची तो नहीं हो जाएंगी, नहीं सोखेंगे। हमारी विंग्स में स्पाइसेस नहीं है ना, ठीक है ठीक। सोया सॉस 1 टेबल स्पून, इनके बच्चे भी खा सकते हैं जी, बच्चों को आप बगैर सॉस के भी दे सकते हैं जी, गुड है ठीक है। वो तो हल्के फुल्के मीठे केचप से भी खा लेंगे, बस ये हमारा थोड़ा सा सॉस कुक हो गया ठीक है। अब हम जो विंग्स है इसमें कोट करेंगे, ये लीजिए इसी को यहाँ पर यहाँ रख दीजिए इसके ऊपर, इसके अंदर अच्छा अच्छा मिक्सिंग, ओके डन, ओके। डिश आउट इसी में कर लीजिए या आपकी वो मैं प्लेटर लाई हूं, अरे बाप रे बाप, है ना फुल फ्लैश फॉर्म में, और उन्होंने बड़ी अच्छी यहाँ तैयारी भी की हुई है, जबरदस्त जी। नाज़रीन आप देख रहे हैं इस वक्त है ना शेफ जो है, और शेफ है ना यहाँ पर मौजूद है, और जबरदस्त जो है डिश बना रही है, और बड़ी जबरदस्त हॉट एंड स्पाइसी टाइप की है, और डिपेंड ऑन यू वैसी टेस्ट है जैसे आप बाजार से खाते हैं। ऑफ कोर्स इतनी देर से मैं वही देख रही हूँ आपको कि आप कर क्या रहे हो, कि हम वैसे ही हमारी विंग्स रेडी हैं और मैं इसकी प्लेटिंग करूँगी। चलिए चलिए इसको हम डिश आउट कर लेते हैं, और ये हो गया है डन डन। तिल रह गए आपके जो भी, वो मैं ऊपर से स्प्रे। अच्छा ठीक, आ जाओ आप इस साइड आ जाओ, ये हो गया है लाइव शो में। देखिए मुझे किस तरह काम करवा रहे हैं ये लोग, जुल्म जुल्म है जुल्म। अच्छा जी नाज़रीन आप लोग भी इस मॉर्निंग शो में अगर आप शेफ हैं और कुकिंग बहुत अच्छी करना जानते हैं तो ऑफ कोर्स आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। जस्ट ओनली व्हाट्सएप नंबर है 03-15824-8704, ये मेरा पर्सनल नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा और देन आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा कुकिंग सेगमेंट, या कोई भी आपके अंदर स्किल्स हैं आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। ये हो रहा है डिश आउट है ना, शेफ जो है वो इस वक्त जो है डिश आउट, और ये देखिए बड़ी अच्छी तरीके से अपने हिसाब से कुछ इनका माइंड है, कुछ प्रेजेंटेशन अच्छी लगेगी तो खाने को भी दिल करेगा। और ये देखें जी सर्विंग हो रही है, अरे वाह खुशबू भी बड़ी प्यारी, सॉस की खुशबू है ना बड़ी प्यारी आ रही है। इना बात करो ना यार, इसे चुप क्यों रह रहे हो, बात तो करो। आई एम अ गुड लिसनर। अच्छा ये तो कोई बात ना हुई, यानी कि नेक्स्ट प्रोग्राम में मैं पहले सोच लूँ कि मुझे बहुत बोलना है।
कैसा लगा आज यहाँ पर आना जी? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा। गुड, आपके साथ बहुत अच्छा लगा, आपका सारा स्टाफ माशाल्लाह जबरदस्त, स्पेशली आप। चले जी, ये बिल्कुल हमारे पास, आई हैव जस्ट ओनली वन मिनट है ना, क्विकली ये हो गया है डन जी। हम लोग जाएंगे फिर ब्रेक की जाने, जरा इस बच्चे की डिश पूरी डन हो जाए। एंड थैंक्स, थैंक्स फॉर कमिंग बीन ऑन शो। थैंक यू सो मच कि आपने मुझे इनवाइट किया। इट्स माय प्लेजर। मामा का नाम क्या है? सुरैया परवीन। सुरैया परवीन, योर डॉटर इज नाइस एंड बेस्ट शेफ कह सकती हूँ मैं, इजीएस्ट, क्योंकि थोड़ा सा लाइव शो में थोड़ा हेजिटेशन होती है, बट बहुत अच्छा इन्होंने कुकिंग की और इनको आगे इनके बाबा ने, ये बाबा के उस पर चल रही हैं, तो उनको भी अल्लाह बख्शे, यानी कि उनकी बहुत सारी दुआएं। और क्योंकि ये बच्ची है और हमें, हम अपने आने वाली खवातीन जो आगे काम करना चाह रही हैं उनको अप्रिशिएट करें और मोटिवेट करें। जी हो गया, गुड, जबरदस्त। और ये हो गया गुड मॉर्निंग विद सबीका किचन। थैंक यू ना, थैंक यू सो मच जी। राजन, आप लोगों ने कहीं नहीं जाना और मैं उमेराइल आपका भी बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। नेक्स्ट हम आपको फिर ज्वाइन करेंगे, जो आंसर्स रह गए हम उनको बिल्कुल उनको देंगे। थैंक यू सो मच मैम। एंड जी नाजीन, आप लोगों ने कहीं जाना, इसके बाद है ब्यूटी सेगमेंट और धमाकेदार ब्यूटी सेगमेंट है। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग विद सभी। Welcome back. Good morning with Sabi. आपके खिदमत में आपका फेवरेट सेगमेंट लेकर हाजिर है और ये है ब्यूटी सेगमेंट। ब्यूटी सेगमेंट आपका फेवरेट सेगमेंट है और इसमें आप बहुत कुछ सीखते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि यहाँ पर जो ब्यूटी से रेलिवेंट इंस्ट्रक्टर ब्यूटिशंस आते हैं उनको आप मिलना चाहते हैं और यहाँ पर बड़े बड़े नाम आए हैं और आज भी जो आए हैं उन्हें हम ये कह सकते हैं कि जादू है उनकी उंगलियों में। हम ये कह सकते हैं ही इज अ मेकअप आर्टिस्ट, मैजिशियन मेकअप आर्टिस्ट, हम कह सकते हैं गुरु ऑफ मेकअप आर्टिस्ट, कितने सारे नाम हैं। और जब उनको एज अ ब्यूटिशियन इंस्ट्रक्टर इंटरनेशनल मेकअप आर्टिस्ट एंड ऑल ओवर पाकिस्तान माशाल्लाह डिफरेंट सिटी में जाके अपनी वर्कशॉप दे चुके हैं और बहुत सारी स्टूडेंट उनसे मुस्तफीद हो चुकी हैं, सीख चुकी हैं। और यकीन करें उनके अंदर एक बहुत ही मैं क्योंकि ब्यूटिशियन नहीं हूँ, मैं एक बात बहुत इस तरफ हाथ रख के कहूँगी कि बाखुदा उन्होंने जब अपना हुनर दिया है तो सब निकाल के दे दिया। मैं इस बात पे तो मेरी इस वक्त वहाँ पे बैठी ब्यूटिशियन सुनेंगी तो वो कहेंगी कि सभी आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। जब उन्होंने अपना डेमोस्ट्रेट मेरी PBI प्रमोट ब्यूटी इंडस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन के प्लेटफॉर्म से 4 घंटे क्लास दी, इज अ बिगेस्ट क्लास उन्होंने दी, बाखुदा जितनी लड़कियां वहां से गुजरी हैं उन्होंने कहा कि इन्होंने अपना सारा हुनर हमें दे दिया, इन्होंने कुछ नहीं छुपाया, जो हमने क्वेश्चन किया उन्होंने आंसर दिया। तो मैं कहूंगी गुरु ऑफ मेकअप आर्टिस्ट हेयर स्टाइलिस्ट इज अ बिगेस्ट बिगेस्ट नेम एरिक गिल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? थैंक यू, आपने मुझे फाइनली बुला लिया। नहीं नहीं, क्योंकि काफी दिनों से हम लोग स्केजुअल बन नहीं था पा रहा, क्योंकि मेरा भी थोड़ा सा बिजी स्केजुअल है क्योंकि ब्राइड सीजन है आपको पता है, और फिर बीच में शूट्स वगैरह भी चल रहे हैं तो काफी थोड़ा सा मिसमैनेज हो पा रहा था। अरे नहीं भाई, जब मेरा मॉर्निंग शो 1 महीना हो गया से और मैंने जब शुरू करने से पहले इनको कहा था और आज आए ये देखे पूरे 1 महीने के बाद, क्योंकि वो बीच में मॉर्निंग शो मैं भी निदा यासिर का करता हूँ तो वो वहाँ से फिर घर जाता हूँ, फिर घर जाके फिर सैलून की तैयारी, फिर अपने शूट्स की तैयारी, तो काफी टफ होता है। क्या बात है। और अगेन थैंक यू कि आप आज फाइनली आज हम लोग आपके साथ हैं इस शो में। बेस्ट ऑफ लक, माई बेस्ट विशेज योर एंड माई बेस्ट विशेज योर शो। थैंक यू सो मच। अच्छा निदा यासिर इतनी प्यारी लगती है, एरिक गिल उनका मेकअप करते हो, माय गॉड। अच्छा है, वो भी एक हमारे पाकिस्तान की एक होस्ट है,
अच्छा है, जबरदस्त, हम उनको बहुत अप्रिशिएट करते हैं। बेस्ट ऑफ लक निदा यासिर, क्योंकि हमारे पाकिस्तान का कहीं पर भी टैलेंट हो हमें उसे अप्रिशिएट करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। आप भी एक हमारे, बल्कि मैं तो बोलूंगा कि जो फैमिली अपने बच्चों को सपोर्ट नहीं करती, उन फैमिली से रिक्वेस्ट है मेरी कि अपने बच्चों को आप लोग सपोर्ट करें और उनको इनक्रेज करें कि वो जिस जिस फील्ड में जाना चाहते हैं उनको फील्ड में जाने दें और उनको सपोर्ट करें ताकि उनका कॉन्फिडेबल लेवल बढ़े और वो आगे मुल्क का और अपनी क्या इसका नाम है फैमिली को सपोर्ट करें, अपने मुल्क को बहुत आगे लेके जाए। जबरदस्त, ये बात है ना, देखिए ये पॉजिटिविटी है और ये हमेशा स्टूडेंट्स को या आगे जो बहुत अच्छा काम करते हैं उनको अप्रिशिएट करते हैं। आपकी इजाजत है, एक ब्यूटिशियन उनका भी तक वो अपना काम शुरू कर दे, और यहाँ पर एक जबरदस्त ब्यूटिशियन मौजूद है, और जब AIY पे एक बड़ा सा ब्यूटी कॉन्टेस्ट हुआ था ब्राइडल मेकओवर, उन्होंने वहाँ पे विन किया था, और ये बहुत अच्छी बात है। और हम ऐसे पर्सन को, और लेकिन उन्होंने एक और उनमें मैंने देखा वो बहुत सीनियर भी हैं, 10 साल उनको काम करते होंगे, तो मैं ये नहीं कहती कि हम किसी के टैलेंट को यहाँ ला के प्रमोट करें, उनको प्रमोशन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हिडन टैलेंट को हाइड नहीं करना चाहिए, उससे आगे लेकर आना चाहिए और उससे बहुत लोग सीख सकते हैं। तो आज मौजूद है फातिमा आलमगीर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, सब कैसे हैं आप? जबरदस्त काम करते हो, और एक इनकी प्रेजेंटेशन भी मौजूद है और ये रेड सूट में। मुझे ये बताएं फातिमा, आज आप यहाँ पर आखिरकार आ गई और जबरदस्त, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, और ये आप लोग की मेहरबानी है कि आप लोगों ने बुलवाया है, इसके लिए बहुत बहुत थैंक्सफुल। यू आर माय गेस्ट, और मुझे अच्छा लगा। आज आप एक ब्राइडल मेकओवर लाएंगे बारात का, और एक कौन सा? और एक वेस्टर्न लुक दूंगी। वेस्टर्न, चले आप स्टार्ट करो, मैं नहीं चाहती आपका टाइम, वो साथ सर से भी बात करते रहेंगे, ठीक है? चले जी, हम लोग फातिमा भी काम करिए, वहाँ पर भी स्क्रीन शिफ्ट होती रहेगी जब वो कुछ लगाएंगी, और हम साथ में एरिक गिल से भी बात करेंगे, और आप भी हमें कॉल कर सकते हैं लाइव, कुछ भी पूछना है बाखुदा। इस पर्सन की एक आदत है, कुछ भी पूछो वो बहुत अच्छे तरीके से ब्रीफ करते हैं। ये बताएं कि अब ट्रेंड डिफरेंट हो गया मेकओवर का, क्योंकि यू आर अ मेकअप आर्टिस्ट, तो मैं उसी से रिलेवेंट बात करूंगी। आपके हाथ में एक जादू है, आप चीज को चेंज कर देते हैं, अच्छा एक नेचुरल टोन पे रखते हैं। बिल्कुल नहीं, आप नेचुरल टोन को नहीं चेंज करते, जो फेयर है उनको फेयर पे रखता हूँ, जो हनी कॉम्प्लेक्शन पे उनको हनी कॉम्प्लेक्शन पे रखता हूँ, जो डार्कर टोन पे उनको वन टोन लाइट करता हूँ, फ्रेश करता हूँ, क्योंकि आफ्टर आवर्स में वो सेटल हो जाता है फाउंडेशन। हमारी वुमेंस का हमेशा एज यूजुअली, जैसे मैं हमेशा हर इंटरव्यूज में कहता हूँ कि हमारी गर्ल्स को पता नहीं क्या प्रॉब्लम है कि वो क्यों ओवर द कॉन्शियस होती हैं और क्या इसका मैं कॉन्फिडेंस नहीं होता। अच्छा है। अभी हमारे दरमियान कॉलर हैं, बात कर लें आपके लिए, रुबीना फ्रॉम कराची। अस्सलाम वालेकुम रुबीना। हेलो हेलो, वालेकुम अस्सलाम जी रुबीना। हेलो जी जी, आवाज आ रही है? मुझे है ना आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू। मैं भी आना चाहती हूँ आपके प्रोग्राम। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया। चले जी, आप जरूर आइएगा। कहाँ से? कराची से? जी जी जी। अच्छा जी, प्रोग्राम देख रही हैं आप? जी हाँ देख रही हूँ। कराची तो बहुत बड़ा है, कराची में कहाँ से कॉल की? फिरदौस कॉलोनी से। कौन सी? फिरदौस कॉलोनी। अच्छा फिरदौस कॉलोनी से। अरे मैं कहती हूँ मुझे पता चलना चाहिए कहाँ कहाँ से, और आज लियाकताबाद से भी कॉल आई, डिफेंस से भी आई, शरफ फैसल से भी आई। जी कुछ कहना चाह रही हैं और कुछ पूछना चाह रही हैं? बस मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपका प्रोग्राम। चले आपकी मोहब्बत है, थैंक यू सो मच रुबीना आपने कॉल की। अच्छा आपने कहा खवातीन में ब्यूटिशियन में जो है कॉन्फिडेंस नहीं होता, टैलेंटेड तो वो होती है, क्योंकि हमारी एक पहले बहुत हाँ। ज्यादा ट्रेंड था कि थोड़ा सा डार्कर टोन, डस्की कॉम्प्लेक्शन को बड़ा अप्रिशिएट किया जाता जी था जी। लेकिन आज वही ट्रेंड है कि डस्की कॉम्प्लेक्शन को थोड़ा सा इतना अप्रिशिएट नहीं करते लोग, थोड़ा सा डिग्रेड करते हैं, कि जबकि आप इंटरनेशनल लेवल पे देखें, हम इंटरनेशनल लेवल पे भी काम करते हैं और वहाँ तो डस्की कॉम्प्लेक्शन को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, ज़्यादा क्रेज़ है वहाँ का, वहाँ पर फेयर कॉम्प्लेक्शन का इतना क्रेजनेस नहीं है जितनी डार्कनेस कॉम्प्लेक्शन की है। लेकिन हमारे एशिया में, पाकिस्तान और इंडिया में बहुत ज़्यादा मोस्टली है कि लड़की गोरी ही होनी चाहिए, अगर अच्छी खासी गोरी भी है तो उसको और मोर सफ़ेद बेस चाहिए, नेचुरलिटी खत्म हो जाती है, अपने फीचर्स खत्म हो जाते हैं लड़की की, या कोई लड़का है आजकल तो लड़कों ने भी वाइटनिंग के इतने इंजेक्शन लगवा लिए हैं, इतने स्किन ट्रीटमेंट्स ले रहे हैं कि वो
में कि अपनी जो ब्यूटी है वो खत्म होगी। बिल्कुल, मैं ये समझ रहा हूं। एरिक ने बिहाइंड जो हम लोग गुफ्तगू कर रहे थे सुबह, तो इन्होंने कहा देखिए गोरा होना जरूरी नहीं है, बल्कि इंसान की स्किन अच्छी और क्लीन होनी चाहिए, ग्लोइंग होनी चाहिए। आपको पता है यूरोप में इंटरनेशनल लेवल पे मेकअप से ठीक है, वो लोग भी मेकअप बहुत ज्यादा करते हैं, उनका भी मेकअप का क्रेजनेस बहुत ज्यादा है, ठीक है, लेकिन वहाँ की वेरिएशन इतनी ज्यादा है ब्रांड्स की, तो वो कवर अप हो जाती हैं। और दूसरा कि वो लोग ज्यादा कॉन्शियस होते हैं स्किन स्किन पे, उन लोगों की स्किन पे इतनी को वो कॉन्शियस होते हैं कि हमारी स्किन बहुत स्मूथ और बड़ी नीट क्लीन होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं अभी एक सवाल आपसे करूंगी, मैं कहूंगी एरिक गिल कैसे बने, लेकिन हमारी दरमियान एक कॉलर है ज़ारा फाइंग फ्रॉम कराची। अस्सलाम वालेकुम ज़ारा। हेलो, सलाम मैम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ जी। क्या पूछते हैं? एरिक साहब मौजूद हैं? मैम मुझे कुछ पूछना ही नहीं है, क्योंकि जरूरत ही नहीं पड़ती सर से, तो हमने अपने इतने अच्छे गुरु को आप लेके आ गई, हमने इनकी मास्टर क्लास अटेंड की थी PBI की। थैंक यू, थैंक यू। तो उसमें जो है सर से मतलब एक सवाल करते थे और सर इतना अच्छा डिटेल में मतलब बताते थे कि अगले सवाल की गुंजाइश ही नहीं होती थी करने की, क्योंकि हमें आंसर पहले ही मिल जाते। थैंक यू सो मच। बड़ी बात है, बड़ी बात। बहुत बेहतरीन सर आपने उस दिन सिखाया था और बहुत बहुत अच्छा लगा था, बल्कि हमारी तो नए ख्वाहिश है कि हम दोबारा आपसे सीखें, क्योंकि इतने ज्यादा लाखों रुपए दे के मतलब छोटी ब्यूटिशियन जो है जो हम लोग हैं वो नहीं सीख सकती ना, लेकिन आपने क्लास में बहुत बहुत अच्छा सिखाया था। थैंक यू सो मच। और अभी इंशाल्लाह हम लोग प्लान कर रहे हैं कि नेक्स्ट लाइव शो में मैं ब्राइडल डेमो दूंगा। वाओ, जबरदस्त। तो मैं लाइव डेमो दूंगा और उसमें भी आप मुझसे बहुत सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। क्यों ना हम लोग वन मैन शो कर लें उस दिन। क्या बात है, अरे बाजार है। थैंक यू सो मच, आपके कॉल से मेरे अंदर वो मैम सो वार्निंग शो का भी। थैंक यू, लव यू। बिकॉज उसमें बहुत सारी न्यू जनरेशन का भी फायदा हो जाएगा, उसमें ये कि आपको भी प्रॉपर टाइम मिल जाएगा, और मुझे तो वैसे क्रेजनेस है अपना काम करने का। ये जरूरी है, जब तक आपको अंदर एक पैशन नहीं होगा, जुस्तजू नहीं होगी, वो काम निकल के भी मजा नहीं है। वो काम करने का सीरियसली मजा ही नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं है। आपकी पसंद का प्रोफेशन होगा, आप उसको निखार के प्रेजेंट करोगे कि यार कोई खुश। मैं अभी परसों ब्राइड्स बना रहा था, मैं कभी कभी उसको वो ब्राइड्स को कह रहा था, वो कहती है एरिक मुझे नेचुरल रखना, मुझे गोरा नहीं करना, ठीक है। और मैं तब तक अपना क्लाइंट्स अपनी चेयर से नहीं उठाता जब तक मैं मुझे 100% मैं क्लियर और या 100% मैं सेटिस्फेक्शन मुझे ना मिले कि ये ब्राइड्स अब कंफर्म है कि ये बहुत मेरा मेकअप या बाल स्टाइल उसका दुपट्टा सेटिंग उसकी ज्वेलरी सेटिंग ईच एंड एवरीथिंग ओके है, तो फिर मैं उसको अपनी चेयर से उठाता, अदरवाइज मैं अपनी चेयर से नहीं ब्राइड्स उठाता। देखिए कितना चलो कुछ होते पहले यार ओके बन गई है, चले जी आ जाए लड़की आ जाओ, वॉलंटियर्स को बुलवा लिया, चले जी दुपट्टा ठीक है। पीक सीजन है, पीक सीजन में रश होता है सैलून, लेकिन आप उसको देखते तो होगे ना, वॉच करते होगे? मैं वॉच करता हूं, मैं फाउंडेशन खुद लगाता हूं, मैं दूसरे सैलून्स की तरह लाइफ कह रहा हूं सॉरी कि मैं दूसरे सैलून्स की तरह नहीं कि मतलब कि फाउंडेशन कोई लगा रहा है, आई शेड कोई लगा रहा है, कंचौर कुछ कोई और कर रहे हैं, नो, मैं फाउंडेशन भी खुद लगाता हूं, अब आई मेकअप भी खुद करता हूँ, ईच एंड एवरीथिंग प्रॉपर मेकओवर मैं खुद करता हूँ, स्टाइलिंग मेरी स्टाइलिस्ट लड़की है, मैं उसको गाइड कर देता हूँ अकॉर्डिंग टू ड्रेस, अकॉर्डिंग टू ज्वेलरी, ठीक है ठीक है, क्योंकि मैं स्टाइल कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने उनका स्टाइल का बजट अलग लिया होता है, मेकअप का और सर्विसेज का पैकेज हमारा होता है, ठीक है। कुछ लोग हैं जो ब्राइड्स हैं वो जो कहते हैं कि मैं विद स्टाइलिंग आप करें और विद एज सर्विसेज के साथ पैकेज, ठीक है, वो कुछ कहते हैं कि नहीं सिर्फ हमें स्टाइलिंग और मेकओवर चाहिए और स्टाइल सर्विस हम किसी और से करेंगे, क्वेश्चन भी पूछ लिया करें जरा रेलेवेंट हो तो फिर जरा। तो उसमें ये है कि स्टाइलिंग के साथ ना मुझे बड़ा मजा आता है, क्योंकि मैं अपना लुक क्रिएट कर रहा होता हूँ कि लड़की खूबसूरत लगनी चाहिए, अगर खूबसूरत है भी मोर खूबसूरत लगे, ना कि वो कुछ और से कुछ और लगे। इतना ओवर मेकअप मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, ओवर बैककॉमिंग मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, क्योंकि बहुत सारी टेक्निक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं आप लोगों से आई होप कि जब ब्राइडल शो करेंगे बहुत सारी टेक्निक्स मैं आप लोगों से शेयर करूँगा, जैसे मैं मोस्टली करता भी हूँ, कुछ लोग मुझसे क्लाइंट्स या कुछ स्टूडेंट्स मुझसे सीख रहे होते हैं। बल्कि गुड न्यूज़ दे दूँ, शॉप पे आए तो मेरी वर्कशॉप चल रही है इन सैलून, सैलून के अंदर मेरे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मुझसे मेकअप सीख रहे हैं, एज ए प्रोफेशनल क्लासेस ले रहे हैं, तो अगर इफ यू डोंट माइंड
नहीं नहीं आप अनाउंस करें कौन सी जगह है, लोकेशन बता। बड़ा बुखारी पे, बड़ा बुखारी पे कराची, बड़ा बुखारी DHA फेज 6 में। तो आप मेरा कांटेक्ट नंबर आप सैबी से ले सकते हैं जब एनी टाइम। अरे गिल से बिल्कुल आप, तो आप इनसे नंबर मेरा आप लेके, आप जो स्टूडेंट मुझसे मेकअप सीखना चाह रहे हैं, मेकअप क्लासेस, हेयर क्लासेस सीखना चाह रहे हैं, तो एनी टाइम आप लोग इनसे नंबर लेके मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और बल्कि इन एक आप लोगों को और इनके बिहाफ पे मैं, क्योंकि मेरी बड़ी बहनों की तरह है, और इनके बिहाफ पे मैं अच्छा आप लोगों को डिस्काउंट दे दूंगा। ऐसे ही कहते थे मेरी बहनों की तरह, ये बड़ी बहन कहाँ से कर दियो। असल में मैं इसे वाकई में भाइयों की तरह ट्रीट करती हूँ, बहुत ही नाइस पर्सन है और हमारी एक बड़ी अच्छी बॉन्डिंग है, अल्लाह का शुक्र है। और मैं इसीलिए चाहती हूँ कि ये जो इतना प्यारा इनके एक टैलेंट है, एक हुनर है इनके अंदर ब्यूटिशियन का, और ये शेयर करते हैं, तो मैं लाइव इंशाल्लाह इनको मेंशन कर रही हूँ आप लोगों को, ये लाइव यहाँ पर ब्राइडल मेकओवर करेंगे, फिर आप सीखिएगा और आप यकीन करें, आप दुआएं देंगे कि वाकई में ये वो स्टाइल, मतलब वो चीज़ें बेसिकली जो सिखाते हैं, जो हम शायद बहुत सारे पैसे दे के भी ना सीख सकें। हमारी इधर मैंने कॉलर थी, हेलो अस्सलाम वालेकुम, कौन थी, हेलो, अच्छा कौन थी, नाम क्या था उनका, जैनब फ्रॉम गुजरावाला, मानसेरा से। चले एक बार फिर उनसे सवाल भी कर लीजिएगा और क्वेश्चन पूछ लिया करें, जरा इजीएस्ट हो जाता है, हम लोग टाइम बच जाता है। अच्छा जी एरिक, मैं पूछी थी एरिक बना कैसे, एरिक ऐसे बना, एरिक ने बहुत मेहनत की है। कहते हैं ना एक मिसाल, हम जब स्कूल लाइफ में थे हमें एक मिसाल मिलती थी कि कुछ पाने के लिए ना कुछ खोना पड़ता है। मैं कहता कुछ नहीं, कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है। मैंने बहुत कुछ खोया है, गालियाँ भी खाई हैं, डांटे भी खाई हैं, फैमिली में फ्यूरेंस हुए हैं, मैं नहीं गया, शादी हुई है मैं नहीं गया, अम्मी को भेज दिया, बस पैशन था, हाँ कुछ करना, फैमिली चले गई, घर वाले चले गए, तो मोस्टली फिर एज यूजुअल वही डांट पिटती है सबसे कि आप शादी पे नहीं आए, आप नहीं आए, आप फ्यूरन पे नहीं आए। तो मेरा जो मेन एम था ना, मैंने नबीला जब ज्वाइन किया, मैं आई ब्राइट एंड नबीला, मैंने नबीला बहुत काम किया है और आई एम लकी कि मैंने नबीला जैसी वुमेन का दिल जीता अपने टैलेंट से, अपने काम से, बड़ी बात। तो बड़ा मजा आया नबीला के साथ काम करके, आई मिस यू नबीला, आई मिस यू। देखिए जैसे नबीला कर रहे हैं, मैं एक बात इन्हीं की बात मेरे प्यारे भाई से कि नबीला इज अ बिग आइकॉनिक पर्सन, नबीलास उनका सलोन है और नबीला इसमें कोई शक नहीं पाकिस्तान में बहुत ही डिजर्विंग एंड टैलेंटेड और मैं कहूँगी एम्पावरिंग वूमेंस में आती हैं और आइकॉनिक पर्सन में आती हैं। और उन्होंने जो भी किया है बहुत आउटस्टैंडिंग किया और उनका ब्याह पे वो जो पर्सन कह रहे हैं उनकी तारीफ करें, उनके साथ टाइम स्पेंड किया हमने तो नहीं, तो ये उनके दिल से आवाज़ निकल रही है। आज भी जितना भी उनका वर्कर अगर छोड़ के गया है तो मुझे नहीं लगता कि किसी के साथ उनकी अटैचमेंट है, क्योंकि आई एम लकी टू ऑनेस्टली, यानी कि मैं बटरिंग कर रहा हूँ या अपने नंबर बढ़ा रहा हूँ, आई एम लकी कि नबीला से मेरी बात होती रहती है, हम लोग बहुत सारी चीज़ें शेयर करते हैं। कभी कभी नबीला होती है, कोई शूट्स देखती है, मुझे फॉरवर्ड करती हैं कि आई ये शूट देखा तो मुझे आपकी याद आ गई, इस टाइप के लाइक तो अच्छा लगता है, क्योंकि मैंने अपनी अम्मी से सीखा है कि जहाँ काम करो ईमानदारी से करो, थोड़ा खाओ पर लालच ना करो, ज्यादा के चक्रों में भागोगे तो ये थोड़े से भी जाओगे। बड़ी बात, पत्थर एक जगह पड़ा हो ना तो वो वजनी होता है, भारी हो जाता है, अगर पत्थर जगह जगह ठोकरे खाता रहेगा ना वो टूटेगा, चूर होगा और कुछ भी नहीं होगा उसका, वो वेट नहीं होगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हो, उसकी वैल्यू भी नहीं होती। हमारे इधर मैंने कॉलर, हेलो अस्सलाम वालेकुम, हेलो मारिया बात कर रही हूं, कैसी हैं आप मैम सभी? मारिया कहां से? मैम मैं कराची से बात कर रही हूं, फ्रॉम लांडी। ओके क्या पूछना है? एरिक साहब मौजूद है, अरे गर्ल सर एरिक से क्या पूछना है मैम, मैंने आपकी जब लास्ट टाइम क्लास दी थी सर एरिक दी थी, ओके और सर तो खुद ऑलरेडी इतनी कंफ्यूजन क्लियर कर देते हैं और इतना बेसिक से बताते हैं और इसमें मतलब बिल्कुल बेसिक से जो हम प्रोडक्ट जो डेली लाइफ में यूज कर रहे होते हैं, मैंने सर की क्लास अटेंड की थी, मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी सर की, ये जो बेसिक प्रोडक्ट होते हैं जो अफोर्डेबल होते हैं सर उससे क्लासेस देते हैं, और मुझे सर से ये पूछना है कि सर की क्लासेस कब से स्टार्ट हो? ओके चलें जी, ये है मारिया फ्रॉम लांडी। थैंक यू मारिया, थैंक यू सो मच जी। वो आप सेबी जी से मेरा नंबर ले लीजिएगा, तो आप मुझे जब कॉल करेंगे तो मैं आपको गाइड कर दूंगा। नंबर अपना याद है मुझे? अनाउंस कर दे ऐसे, अच्छा नहीं लगता यार वो, मैं तो चाहती हूं कि जिस तरह आपने कहा ना कि जब भी
किसी के साथ काम करें, दिल से करें और कोई मसला नहीं है, एक दूसरे के लिए सपोर्ट भी करें। आप लोग अपने पेन पेपर तैयार रखें, मैं अभी नंबर बता रहा हूँ। अच्छा थोड़ी देर पेपर पेन रेडी रखें, हम जरा चलें फातिमा की तरफ। हाँ जी, फातिमा आलमगीर चंदा, जरा सा थोड़ा सा इनिशियली बताएं, सबसे पहले बेस क्या लगाया चंदा? बेस जो है मैंने इनका बहुत ज्यादा डार्क सर्कल था, ठीक है, तो उस पे मैंने ओरिएंटल से कवर अप किया, ठीक है, ठीक है। उसके बाद आइवरी लगाया है मैंने, ठीक है, फाउंडेशन, ओके, और उसके ऊपर जो लूज पाउडर है वो लगाया मैंने, ट्रांसपेरेंट, ओके जी, ठीक है। चलो साथ साथ जल्दी जल्दी चंदा, ये ना आपका काम रह जाए। अच्छा जी, हम आप अपना नंबर अनाउंस कर दीजिए। नंबर लिखे 0300-922-4507, 0300-922-4507। क्या बात है, असल में एरिक गिल। अच्छा ये एरिक गिल मेरा नंबर है। इंस्टाग्राम पे भी कुछ लोगों को अगर जल्दी में ना लिखा गया हो तो इंस्टाग्राम है मेरा एरिक गिल ऑफिशियल, एरिक गिल ऑफिशियल, उस पे भी आप मुझे इनबॉक्स में मैसेज करके आप मुझसे मेरा चैट कर सकते हैं या मैसेज करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। आपको मालूम है मैंने आपसे क्यों कहा है नंबर? क्योंकि मैं नहीं चाहती मुझे तंग करे, एरिक गिल का नंबर दीजिए, एरिक गिल का नंबर। अरे मैं कहा, मैं अपने कहा, मुझे मॉर्निंग शो, क्योंकि आई एम प्रोड्यूसर एंड होस्ट, थोड़ी सी जिम्मेदारी और बढ़ जाए, वाह खुदा मैं परेशान हो जाऊंगी। और मेरा अपना पीबीएफ ऑर्गेनाइजेशन है वुमेन्स की, तो वो एक मेरे लिए बहुत मसला हो जाएगा और मैं बहुत सारे काम, क्योंकि ऑफ कोर्स डेली मॉर्निंग शो। मैं आप लोगों से ना एक बात शेयर करना चाहता हूं, जब इन्होंने मुझे फर्स्ट क्लास के लिए बुक किया ना, फर्स्ट क्लास माइंड नहीं करना, मैंने मना कर दिया लिटरली। बड़े लोगों ने इनको बोला, जब सेकंड के लिए मुझे अप्रोच किया इन्होंने किसी के थ्रू, तो इन्होंने मुझे डरे हुए ना, बहुत सारे लोग इनको कह रहे हैं एरिक डिच कर जाएगा, एरिक नहीं आएगा, वो अनरिलायबल है। इन्होंने मुझसे बात, ये सबसे अच्छी बात सैबी की ये है कि ये दिल की साफ है, और उन्होंने कहा देखो एरिक मैं आपको भाइयों की तरह दर्जा देती हूँ, तो मुझे लोगों ने ना ऐसा ऐसा आपके बारे में बैड कमेंट दिया है। मैंने कहा अच्छा ऐसी बात है, और मैं हूँ जरा जूठे के घर तक पहुँचने वाला। मैंने कहा सभी देखो आप मुझे भाइयों वाला दर्जा देती हैं, तो मैं भी आपको फिर इंशाल्लाह भाई बन के दिखाऊंगा, आप डोंट वरी, आप इस क्लास के लिए मेरा इतना बजट है वो आप तैयार रखें। इन्होंने यकीन करें मेरे बजट से भी 50% बजट ज़्यादा दिया फर्स्ट क्लास में, तो हमने क्लास की, मुझे इतना मज़ा आया। इन क्लास इन टाइमिंग के दरमियान ही मैंने इनको बोल दिया कि सेकंड क्लास आप करें, इनसे पूछे बगैर ही मैंने अनाउंसमेंट कर दी कि हम नेक्स्ट क्लास करेंगे, वन मैन ऑफ क्लास ना, कि सिर्फ जिसमें मैं अकेला ही मास्टर क्लास दूंगा, और नो डाउट इन्होंने मेरी इज्जत रखी। नेक्स्ट क्लास जब हम लोगों ने अभी की थी रिसेंटली, बिल्कुल बिल्कुल, वो वेरी वेरी सक्सेसफुल क्लास, और बहुत सक्सेसफुल रही, yes. और सबने बहुत अप्रिशिएट किया। हमारे दमानी कॉलर, हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन है भाई साहब? मैं कौन हूँ? मेरा नाम अर्श है और मैं आप सबका फैन हूँ, और जो है मैं स्पेशली एरिक को भी देख रहा हूँ, और एरिक जो भी मजे मजे की बातें कर रहे हैं, तो थैंक यू सो मच। एरिक कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? मैं ठीक ठाक सर, आप कैसे हैं? मैं ठीक ठाक, और मैं इस बात का अभी लाइव शो में यही अनाउंस करूंगा कि एरिक ने हमारी बात का इतना मान रखा, जैसा हमने बोला वैसा सिखाया, 4 घंटे की क्लास में इतना निचोड़ देके इल्म दिया है। अगर सीखने वाला बच्चा था तो उसने बोला उसने साल भर का इल्म ले लिया, मगर जो सीखना नहीं चाहेगा वो कुछ नहीं सीख पाएगा। और इंशाल्लाह ताला अभी साबी ने अनाउंस किया, आपने अनाउंस किया कि मॉर्निंग शो में आप लाइफ मेकर बनेंगे, तो सबसे अच्छी बात है, क्योंकि पीबीआई का मौका यही है, कम पैसों में या बगैर पैसों में मेकअप अच्छे से अच्छा सिखाए, जो हमारी यहाँ मिडिल क्लास बच्चियां अच्छा काम कर रही हैं, उनका प्लेटफॉर्म नहीं है और वो आगे बढ़ना चाहती हैं, बड़ा चैनल चांस नहीं देता, तो हम उनको इस चैनल के तवस्त से इल्म भी देंगे, उनकी प्रमोशन भी करेंगे। और आज बहुत प्यारी हमारी बहन फातिमा आलमगीर आई हुई है, और ये किसी तारीफ मतलब ये भी नहीं है, बहुत अच्छा काम करती है। अर्श भाई आपकी तारीफ करें, थैंक यू सो मच अर्श भाई। नहीं डिजर्व करती है फातिमा, क्योंकि इनका काम इतना अच्छा है, मैं बयान नहीं कर सकता, सिर्फ इनके ऊपर एक गर्द हटी हुई है, जब फूक पड़ेगी और इंशाल्लाह इतनी गुरु होंगी, ये इस एक साल के अंदर इंशाल्लाह पाकिस्तान का बहुत बड़ा ब्रांड बन जाएगी। दुआ इनके लिए, बहुत अच्छा काम करती है, और आप सबका शुक्रिया कि आप लोग इतना सपोर्ट कर रहे हैं हमें। चलो थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच। ये होता है कि आपका माशाल्लाह, वाकई में इसमें कोई शक नहीं, आपने जो हमने क्लास बनाई थी, एक ऑर्गेनाइज की थी पीबीआई की, और उसमें वाकई में एरिक ने अपनी बहुत सिंसेरिटी से तमाम 300 अबव ब्यूटिशियंस थी, और नो डाउट बहुत सेकंड में अबव थी, सेकंड में ज्यादा थी, बिल्कुल ज्यादा थी, और उसमें हमने जो इन्होंने अपना पूरा जो है ना, अपना जैसे इनका जो
हुनर था, इन्होंने कोई चीज हिडन नहीं रखी, जो जिसने क्वेश्चन किया उन्हें बहुत सिंसियरिटी से आपने आंसर दिया था। जरूरी है सिंसियरिटी, बहुत जो इंसान अपने अपने काम से सिंसियर नहीं है वो किसी से सिंसियर नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि सिंसियरिटी इंसान की उसके काम से है, उसके नाम से नहीं, उसके काम से है। काम से अगर नबीला आज मुझे प्यार करती है, नबीला आज मुझे याद करती है, तो मुझे मिस करती है, मेरे काम से करती है, वो मेरी शक्ल से नहीं प्यार करती, वो मेरे काम से प्यार करती है। ये आज आपने क्लियर कर दिया। अक्सर जब बच्चे कहते ना हम छोटे से सैलून में, तो मैंने कहा सो व्हाट, ये तुम्हारा हुनर बहुत अच्छा होना चाहिए, आप काम बहुत अच्छा प्रेजेंटेबल तरीके से कर रहे हो, तो आप अपने स्किल्स के ऊपर फोकस करो, जगह के ऊपर नहीं। सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, क्रिटिसाइज हमेशा ऑल स्टूडेंट्स के लिए है, गर्ल्स के लिए है, मेरे फैंस के लिए है, या जो भी मैं मैसेज देने लगा हूँ वो ये है कि क्रिटिसाइज हमेशा वो करता है इंसान जो जिसमें खुद कोई काबिलियत ना हो कुछ करने की। क्योंकि आप लोग अवॉइड किया करें जो क्रिटिसाइज करें मुझे, मैं जो पहनता हूँ, जो ओढ़ता हूँ अपने लिए करता हूँ, माई सेल्फ, मैं नहीं फोकस करता कि वो मेरे बारे में क्या कह रहा है, वो मेरे बारे में क्या कह रहा है, या अगला बंदा मेरे बारे में क्या बोलेगा, आई डोंट केयर, क्योंकि मेरी मेरी सेल्फ, मेरी पर्सनैलिटी, मेरा कॉन्फिडेबल लेवल मेरे साथ है, किसी और का साथ नहीं। मेरा घर मैंने चलाना है, जो क्रिटिसाइज करते इन्होंने नहीं चलाना, ठीक है। जो आपकी लाइफ है आप अपनी लाइफ को इंजॉय करें, अपने काम को आगे लेके आए, अपने टैलेंट को आगे लेके, अगेन वही कि फैमिली को फिर अगेन बोलूँगा, रिक्वेस्ट है मेरी ऑल ऑल फैमिली से कि अपने अपने बच्चों को जिस जिस फील्ड में जाना चाहते हैं उनको सपोर्ट करें और उनको न्यू प्लेटफॉर्म दें कि उनका टैलेंट आगे बढ़े और वो इस मुल्क को और आगे लेके जाएं। जबरदस्त। और यही बात जो एरिक ने कही है, इसी तरह यहाँ पर जो ब्यूटिशियन आती है तो कहती है हमें शुरू में इतनी प्रॉब्लम्स हुई और किसी ने क्या कमेंट्स किए, और आज वही फैमिली के लोग हैं अपनी बच्चियों को हमारे पास सिखाने के लिए भेजते हैं। आपको शुरू में आपको पता है जब मैंने न्यू ज्वाइन किया था सैलून, अच्छा, तो मैंने सबसे पहले अपनी अम्मी से और बड़ी सिस्टर से परमिशन ली, तो अम्मी ने कहा करो, बड़ी सिस्टर ने भी कहा, क्योंकि बड़ी सिस्टर चाहती थी कि मैं बेसिकली वो खुद डॉक्टर हैं, तो वो चाह रही थी कि मैं डॉक्टर बन जाऊं, लेकिन हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मैं कराची से फरा बात कर रही हूँ। जी फरा, क्या पूछना है चंदा? हाँ जी, मैं ये इनसे बात करना चाह रही थी। एरिक साहब से बात कीजिए। जी जी अस्सलाम वालेकुम जी फरा। हेलो, वालेकुम अस्सलाम सर, आपका मेकअप बहुत बहुत अच्छा लगता है मुझे, बहुत पसंद है आपको, मैंने पहले भी शो में देखा था। थैंक यू सो मच। मैं आपसे जो है बस मेकअप सीखना चाहती हूँ, मुझे कोई एडवाइस दें। आप मेकअप सीखना चाहती है, आप मेरे इंस्टाग्राम पे अपना मोबाइल नंबर एसएमएस कर दें, एरिक गिल ऑफिशियल पे। जी जी, ऑफिशियल वाला मेरा पर्सनल पेज है, जो और भी आईडीज आएंगी वो फेक हैं, सिर्फ ऑफिशियल वाला मेरा अपना है, एरिक गिल ऑफिशियल, वो मेरा पर्सनल अकाउंट है। आप उसी पे जिस किसी स्टूडेंट्स ने या जिस किसी ने मेकअप सीखना है या कुछ भी क्वेश्चन आंसर्स करने हैं वो एरिक गिल ऑफिशियल पे कीजिएगा प्लीज, क्योंकि दूसरी आईडीज वो कुछ फेक भी हैं, ज़ाहिर एक नाम है तो वो फिर कुछ लोग अपना पेज रन करने के लिए एक दूसरों का नाम यूज करते हैं, ठीक है। आप अपना मोबाइल नंबर मेरे पेज पे एसएमएस कर दें। ओके, गुड है, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। और आपके जो है ना, अब वो सिस्टर की बात हम कर रहे हैं, वो बात तो फिर ऐसे बस मैं गया एक सैलून, अच्छा, वहाँ पर क्या थोड़ा सा मन कॉन्फिडेबल था, फर्स्ट टाइम था, फिर मैं साजिद सैलून ज्वाइन किया मैंने, नबीला के पास होते थे। अच्छा, इनकी आवाज और जरा फातिमा का जो स्टाइल करी वो जरा प्लीज उसका स्विच करें और इनकी बात। जी कंटिन्यू। तो मैंने आपको पता, मैंने बस में ट्रेवल किया, मेरी स्टार्ट सैलरी 1500 थी, 1500 मतलब के 1500। अच्छा, मैंने 1500 से अपना करियर स्टार्ट लिया था सर साजिद सैलून पे। अच्छा। जमजमा पे, कराची जमजमा पे। बस फिर स्ट्रगल करता गया, काम करता गया, शौक तो था कि मैंने ऐसा बनना है, तो बस फिर मेहनत करता गया, आगे बढ़ता गया और अभी तक मेहनत कर रहा हूँ, और आज भी इतनी एनर्जी है कि आगे फोकस कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा काम करें, न्यू टैलेंट को सपोर्ट कर रहे हैं, न्यू जनरेशन को भी ये सिखा रहे हैं कि अपने सीनियर्स की रिस्पेक्ट करें, अपने से बड़ों की रिस्पेक्ट करें और फोकस अपने काम पर करें, और देखें इधर उधर की चीज़ें तो लाइफली चलती रहती हैं, लेकिन इंसान कामयाबी
तब हासिल करता है कि जब वो उस चीज पे कितनी मेहनत करे। बेशक हमारे इधर मैंने कॉल एरिक के कॉल ले लेते थे। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन है हमारे साथ? जी मैं मेनाज बात कर रही हूँ, कराची से, गार्डन से बात कर रही हूँ। जी गार्डन से मेनाज, कैसे हो आप? ठीक हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। और मैम आपका शो बहुत जबरदस्त है, एक से एक शो बढ़कर है आपका। इनकी आवाज में अलग से ही पहचान लेती हूँ। प्रोग्राम पसंद आ रहे हैं? जी बहुत ज्यादा। और मैम मैं आ भी चुकी हूँ आपके प्रोग्राम में। आई नो मैं आपकी आवाज अलग से ही पहचानती हूँ। और बताए प्रोग्राम में आज एरिक गिल मौजूद है, कुछ पूछना है इनसे? बस यही क्लास मिल से मिस हो गई। एरिक गिल के साथ मुझे होना चाहिए था सर के साथ। क्लास जबरदस्त लगती है। सीबीआई की भी दो क्लास कर चुके हैं सर, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू, जबरदस्त। अच्छा मैं नाज आपका बहुत शुक्रिया मेरी जान। आपने देखिए बड़ी बात होती कॉल कर लेना, वरना कहते चनी जी मिलने हैं देख लिया, लेकिन इनकी मोहब्बत है। अच्छा मैं बहुत सारी कॉल्स ले नहीं पा रही हूँ। एरिक गिल ऐसे आए, कॉल पे कॉल आ रही है। गाना रेडियो जो एक मैं चाहती हूँ फातिमा आलमगीर की जो है एक प्रेजेंटेशन ब्राइडल मेकओवर रेडी है। एरिक साहब इजाजत है? बिल्कुल। तो साथ साथ वो उनका काम भी चल रहे हैं, तो हमने कहा एक ब्राइड की प्रेजेंटेशन अभी हो जाए और जब लास्ट में हम उनका भी प्रेजेंटेशन दिखा दें, सॉन्ग प्ले किया जाए। यस आप यहाँ पर आ जाओ। अच्छा जी हम चलते हैं फातिमा की जानिब। फातिमा कहाँ तक मेकओवर पहुंचा आपका चंदा? डन हो गया पक्का? बहुत सॉफ्ट और खूबसूरत, आउटस्टैंडिंग। ये हो गया फातिमा का। फातिमा आप उस साइड हो जाओ। फातिमा आप मेरे पास इधर आ जाओ, जरा सा गुड़िया आप आ जाओ। मैं एरिक के पास चलती हूँ। एरिक ये बताइए कि कितना मैक्सिमम अपना ड्यूरेशन दिया आपने अपने फील्ड को, प्रोफेशन को, कितना टाइम दे दिया? माशाल्लाह मैंने 2000 में अपना करियर स्टार्ट लिया था और तब बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस ले नहीं था और अब माशाल्लाह बहुत कॉन्फिडेंस है। और 20 साल पता भी नहीं चले कि अपने काम में इतना दिया मैंने और इतना काम कर किया है और आगे कर भी रहे हैं और माशाल्लाह पाकिस्तान की सारी सेलिब्रिटीज के साथ मोस्टली काम कर। अरे ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था क्योंकि जब इन्होंने क्योंकि ये इंटरनेशनल लेवल पे भी इन्होंने विजिट किया, डिफरेंट इवेंट्स होते हैं, फैशन शोज होते हैं, तो ऑफ कोर्स और पाकिस्तान में बड़े बड़े नाम हैं ये। अब एरिक गिल बताएंगे क्योंकि 20 साल या 21 साल देना ये इतना लंबा ड्यूरेशन है और बहुत सारे मेकअप इनके हाथों से गुजरे हैं और साल के एक मेकओवर में भी डिफरेंस होता है कि पहले कैसा था अब कैसा है। तो ये कौन कौन से सेलिब्रिटीज एंड आर्टिस्ट एंड फिल्म स्टार जो है जिनका इन्होंने मेकओवर किया, ये पूछते हैं एरिक से। एरिक बताओ कौन कौन से बड़े बड़े नाम जो है वो मेकअप फनकार हमारी आर्टिस्ट मेकअप आर्टिस्ट लाइक फिल्म स्टार वो कौन कौन से?
फिल्म स्टार सायमा जी से लेके नाम लो सायमा जी, मीरा जी, मीरा जी, आई लव मीरा जी, माय फेवरेट स्टार, फिल्म फीचर बड़े खूबसूरत, मेकअप वाला चेहरा उनका, ओके, मीरा जी, रेशम जी के साथ काम किया, सना जी, सना फकर, वो बहुत स्वीट है, सच अ ग्रेट आर्टिस्ट, जारा शेख, रीमा जी, फिर सायमा जी, और काफी संगीता पा के साथ सबके साथ काम कर चुके हैं, क्या बात, नियो टैलेंट के साथ तो अभी कर ही रहे हैं। यार मुझे बड़ा फख्र महसूस हो रहा है, मैं ऐसे मेकअप आर्टिस्ट के साथ बैठी हुई हूँ गुरु ऑफ मेकअप आर्टिस्ट और एज अ मैजिशियन मेकअप आर्टिस्ट के, जिन्होंने इतने बड़े बड़े फनकारों के साथ, फिल्म स्टार्स के साथ जो है उनका मेकओवर किया है, और ऐसे लोगों से हम सीख सकते हैं बहुत कुछ, ऐसा है कि नहीं? बिल्कुल। अच्छा जी हम चलते हैं, जरा फातिमा ने डन कर लिया है, फातिमा ये आना कैसा लगा चंदा? बहुत अच्छा लगा है, बस आप लोग की मोहब्बत है। क्या बात है, अच्छा ये मेकओवर क्या गुड़िया आप जरा सा आप इधर आओ, क्या बात है, हम चाहेंगे ये आप इधर ही बैठ जाओ, इनके साथ ब्राइट के साथ बैठो, बैठ जाओ बैठो, इट्स ओके, हम चाहेंगे थोड़ा इसके, ये फातिमा ब्रीफ करेगी, आप फोकस कीजिएगा इनका, तो हम चाहेंगे जरा, हाँ जी बताएं फातिमा, क्या आपने इसकी स्पेशल फ्रॉक फैलाओ, इतना प्यारा फ्रॉक लग रहा है आपका, वो सॉफ्ट टच, थोड़ा सा इसको अगर ऊपर से जो क्राउन वगैरह पहना देती ना, ये पर लग जाती, ये फेरी उड़ जाती ये वैसे एक बात, क्रिश्चियन ब्राइड भी ऐसे होती है, बड़े सॉफ्ट टच जी, और ये मॉडल मेकअप का भी लुक दे रहे हैं, मॉडल लुक भी है और सॉफ्ट लुक भी है, आजकल जो क्लाइंट है वो हमारे वो कहते हैं कि हमें सॉफ्ट लुक चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल, जैसे वो चाहते हैं नो मेकअप, ओके नो लुक मेकअप जैसे जी, नो लुक मेकअप जबरदस्त, तो वही दिया है मैंने, बाकी तो आप, अच्छा बाकी आपकी मर्जी, आप इसमें ज्वेलरी ऐड कर लें, दुपट्टा ऐड कर लें, क्राउन ऐड कर लें आप, ये तो मैंने मतलब इसको थोड़ा मॉडल लुक दिया सॉफ्ट लुक में, यानी ये जो ओवरऑल दिया मॉडल सॉफ्ट लुक, अच्छा जी, अच्छा मैं चाहूंगी इनकी इनके जो है मैं इन सबके मैसेजेस ले लूं और एंड हम इन दोनों ब्राइड्स पे कर लें, ठीक है, ठीक है, 5 मिनट है ना तो हम इस पे हम कवर करते हैं, एक कुछ ऐसी बात शायद मैंने सवाल ना किया वो आपके जहन में, वो आप बात करते कर सकते हो, कोई मसला नहीं, क्योंकि ये होता सब टाइम हम लोग कुछ रह जाता तो बड़ा अफसोस होता है, कुछ कहना चाहेंगे अपने व्यूवर्स को, ब्यूटिशियंस को, या कुछ जहन में आपके चल रहा है? नहीं ऐसे बस वही जो मैं कहता हूँ कि अप्रिशिएट करता हूँ न्यू टैलेंट को, सपोर्ट भी करते हैं हम लोग, और क्या इसका नाम है, यही कहता हूँ कि अपने सीनियर्स की रिस्पेक्ट करें, अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट करें, अपने अपने बारे में सोचें, अपनी फैमिली के बारे में सोचें, अपने करियर के बारे में सोचें, और फर्स्ट ऑफ ऑल अपने मुल्क के बारे में सोचें। क्या बात है भाई, मैंने कॉलर है हमारे मुल्क के बारे में हो रहा है, अय्यूब फ्रॉम महमूदाबाद, अस्सलाम वालेकुम अय्यूब। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम अय्यूब भाई, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हैं सर? सर जी एरिक साहब से बात कीजिए। जी एरिक साहब से। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बात ना मेरे बाल पे सिल्की ना, तो उनको मैंने ड्राई भी किया और एरोवेला भी लगाया ना, तो फिर भी मेरे बाल भी टूट रहे, इनके अच्छे से कोई हेयर स्टाइल बता देते हैं, और चेहरे के ऊपर जो है निशान वगैरह काफी आए हुए हैं, और उसके लिए कोई अच्छी सी क्रीम का या कोई भी ऐसा फार्मूला हो। ओके okay, बहुत शुक्रिया, आपकी खूबसूरती से इंस्पायर होकर उन्होंने कहा हमें भी कुछ स्टाइल ये अभी कुछ कही, क्योंकि ये मेकअप आर्टिस्ट है, लेकिन वो शायद उन्होंने आपसे इंस्पायर हो गए, उन्होंने जल्दी से पूछा। वैसे एक बात है, अपने आपको थोड़ा सा इनको बता दे, थोड़ा सा कुछ ऐसा जो जिसे इनके इनको अच्छा लगे वो बताएं, बालों से रिलेवेंट कुछ है? बालों की ये के हेयर प्रोडक्ट कम यूज करें, ठीक है, और क्या इसका मैं, क्योंकि जितना जेल और हेयर स्प्रे लगता है बाल उतने डैमेज होते हैं, और दूसरा कि मैंने कोई क्रिएटिविटी अपने बालों पे छोड़ी नहीं ब्लू भी किए हैं, रेड भी किए हैं, ग्रे भी किए हैं, गंजा भी हुआ हूँ, मेरे वेरी लॉन्ग हेयर, और मैं आई लव क्रिएटिव लुक्स, मुझे क्रिएटिव चीज़ें बहुत पसंद है, मैंने सबसे ज़्यादा क्रिएटिविटी अपने साथ ही की है, जैसे कहा जा सकता है कि जुल्म चले इन्होंने जुल्म किया, हम चलते हैं, मैं लास्ट फातिमा से मैसेज ले जाऊँ, फातिमा लास्ट कुछ कहना चाहेंगी चंदा? लास्ट में ये कहना चाहूँगी कि PBI का जो क्लास स्टार्ट हो रहा है जी, जिसमें के हमारे अर्श भाई ऑर्गेनाइजर है, ठीक है, तो आप लोग उसमें आए, ओके, क्लासेस ले, आप लोग को बहुत मजा आएगा, और एरिक गिल जो मेकअप गुरु है वो भी आ रहे हैं। आप अपने बारे में बताओ, आप छोड़ दो वो हम खुद अनाउंस कर देंगे, आप अपने बारे में बताओ मेरी जान,
अब अपने अपने बारे में मैं यही बोलूंगी कि मेकअप मेरा पैशन है, ठीक है, जो कि आप देख सकते हैं बिल्कुल लुक दिया मैंने, ब्राइडल लुक दिया। कैसा लगा आपको इनका? बहुत अच्छा लगा, वेरी नाइस। ये बड़े गौर से आपको देख रहे थे जब आप ब्राइट वो वाली व्हाइट पर बना रहे थे। अच्छा है, अप्रिशिएट कर रहे थे आपको। और यही हम चाहते हैं कि सीनियर लोग जब आप लोग ये अभी इन्होंने लाइव भी किया कि हम इनको अप्रिशिएट करेंगे, इनका काम और निखर के आएगा। थैंक्स फातिमा आलम जी, हमारे दरमियान मौजूद थी। क्योंकि सभी अगर हम लोग नहीं, सीनियर्स ही अपने जूनियर्स को सपोर्ट नहीं करेंगे, उनको अप्रिशिएट करेंगे, तो कौन करेगा? बिल्कुल। चले जी, आपके आने का बहुत शुक्रिया। लेकिन आपके साथ ये फर्स्ट नहीं है, इनके साथ एक ब्राइडल मेकओवर की यहाँ पर एक जबरदस्त डेमोंस्ट्रेट होगा। ये पूरा शो इनके साथ कंडक्ट किया जाएगा इंशाल्लाह। और इनके साथ इनकी दो ब्राइड्स आएंगी, ज्यादा तो नहीं हो गया, चलो खैर एक ब्राइड बना, नहीं नहीं एक बना के लाओगे और एक यहाँ पर बनाओगे, भाई ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा जी। लाइव होगा यहाँ पर मेकओवर और एरिक गिल हमारे साथ होंगे, लेकिन मैं बहुत जल्द पहले से इनसे डेट ले लूंगी, फिर उसको पहले से अनाउंस करूंगी। और एक और अनाउंसमेंट मैं अभी करी हूँ, आपका थैंक्स करती हूँ और आपका भी थैंक्स करती हूँ। और मैं अपने व्यूअर्स से बात करती हूँ, सॉन्ग रेडी रखिएगा क्योंकि अभी फातिमा आलमगीर की प्रेजेंटेशन से एंड होगा। लेकिन जाते जाते बता दूं, कल का शो नहीं मिस करना क्योंकि आ रहे हैं हैदराबाद वाले और हुमायूं होंगी हमारे साथ हैदराबाद की टीम के साथ, और आप लोग देखना ना भूलिएगा। इंशाल्लाह कल फिर मिलेंगे इसी तरह जिस तरह उभरता सूरज तुलु होता है जी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दो में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, आप आ जाओ दोनों।